शुरू करने वाले, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर मैं और मोहित सर मिलकर आपका AAI ATC का कंप्लीट फिजिक्स करवाने वाले हैं कंप्लीट। और यहां पर आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, तो आपके सामने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं ओपन करूंगा और आपके सामने ही बात करेंगे। AAI ATC का जो एग्जाम है वो काफी टफ एग्जाम नहीं है, बट यहां पर कंसेप्चुअल नॉलेज होना थोड़ा सा जरूरी है। अगर हम देखें तो पेपर इजी टू मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट आता है, और इस कंडीशंस में हम निकालेंगे आज उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हमें यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम AAI ATC के एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है, सर किसी भी एग्जाम्स को देने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चंस का लेवल पता होना चाहिए, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से कम क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए और ये हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने पर। सो फाइनली आज जो हम सेशन करने वाले हैं इसमें मैं अभी 9 to 10 के बीच में आपका मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन लेकर के चलूंगा, और मैकेनिक्स के जो वेक्टर वगैरह हैं या आपके जो न्यूक्लियर फिजिक्स के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है तो वो सारे कॉन्सेप्ट लेकर के मैं यहां पर चलने वाला हूं। और 10 से 11 बजे तक मोहित सर आपकी इसी क्लास को कंटिन्यू करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, यहीं पर रहना है। और 9 से लेकर 11 तक आपकी लगातार क्लास चलने वाली है जिसमें इलेक्ट्रिकल का पार्ट जो है वो आपके मोहित सर यहां पर कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बिल्कुल यार बिल्कुल बने रहना है यहां पर, बिल्कुल हाँ सिलेबस पूरा करेंगे बेटा, हमने बताया हुआ था लास्ट टाइम भी, हमने कई सारे वीडियो लिए हुए हैं। अगर तुम यहां पर जाते हो, चलो हम चले जाते हैं, ठीक है एक बार देख लेते हैं। AAI एकदम डाल दो यहां पर, AAI ATC फिजिक्स का अगर हम डाल दें, AAI ATC फिजिक्स, और हम बात करते हैं यहां पर टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग डाल दो, तुम टेक्स्ट बुक डाल दो, बस टेक्स्ट बुक इंजीनियरिंग डाल दो। तो देखो यहां पर AAI ATC टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, तो टेक्स्ट बुक चलो वैभव सर बात करते हैं, वैभव सर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वैभव सर के देखो यहां पर कितने 65 लेक्चर ऑलरेडी है, सिलेबस स्ट्रेटजी ऑलरेडी मिला करके, जो लास्ट टाइम एग्जाम आया हुआ था उसमें हमने पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट किया हुआ था थ्योरी पोर्शन। वो हमारा बैड लक था कि थोड़ा सा एग्जाम जल्दी हो गया था, हमारा सिलेबस का जो रेट था वो कम था, तो लास्ट में हमने जो सिलेबस किया है वो क्वेश्चंस के थ्रू आपका वर्क किया है। तो इस बार पहले से ही हम इतना फास्ट लेकर के चलेंगे, इतनी जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि एग्जाम अगर एक महीने बाद भी हो जाए यार तो कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। यहां पर हम एग्जाम की बात करते, देखो यहां पर कितने सारे सेशन वैभव सर मोहित सर कितने सारे AAI ATC के सेशन यहां पर चल रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट किया हुआ था, तो सारी चीजें लेकर के चलेंगे। इस बार भी फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे, फ्रिक्शन की बात करेंगे, हर एक टॉपिक को हमने पूरा का पूरा कवर किया था। और यहां पर देखो कितने सारे बच्चों ने देखा हुआ है भाई, कितने सारे बच्चों ने देखा हुआ है, तो लगभग इन सारे बच्चों से आप फीडबैक ले सकते हैं। 4-4 घंटे की मैराथन हुई है भैया, 4-4 घंटे की मैराथन हुई थी पिछली बार, और इस बार भी कुछ ऐसा ही आपके लिए करने हैं। अभी हम 2-2 घंटे की मैराथन चल रहे हैं डेली, और इसके बाद हम 4 घंटे की मैराथन भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो यार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, तो या हमने प्रॉमिस किया है तो थोड़ा तो हम पर विश्वास रखना पड़ेगा कि हम कोशिश पूरी करेंगे यहां पर आपके सिलेबस को कंप्लीट करने की। और इस बार हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, लास्ट टाइम थ्योरी पोर्शंस तो हो गया था बट जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा सा जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो कम रह गए थे, तो इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस को करते हुए हम क्या करेंगे, हम सिलेबस की बात करेंगे। तो भैया प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रहे हैं सर, तो ये काम करना है यहां पर गूगल पे डाल देना PYQs ऑफ AAI ATC, और टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे तुम जैसे ही पहुंचोगे, तो ये यहां देखो AAI ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव 27 जुलाई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, AAI ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव 27 जुलाई 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर, तो ये सारे पेपर आपको यहां पर मिलने हैं। अब आपको क्या करना है भैया, यहां पर जाकर के डाउनलोड करना है, ये आप डाउनलोड में गए और डाउनलोड कर देना PDF क्या कर देना बेटा, डाउनलोड कर देना PDF। जैसे ही डाउनलोड होती है हमारी PDF, तो PDF को हम ओपन करेंगे भैया, ओपन करेंगे तो हम बात करते हैं ओपन विद, अगर हमने बात की है ओपन कर लिया है, अगर ओपन कर लिया है तो यहां पर जो हम देख रहे हैं तो PDF पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है। ये देखो यहां पर, तो जो है यहां पर सामने है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका सेक्शन वाइज PDF दिया हुआ है, जो एग्जाम प्रॉपर आता है वही एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, यहां पर पूरा का पूरा PDF दिया है। हम चलेंगे अपने डिसिप्लिन्स वाले क्वेश्चंस में, तो डिसिप्लिन्स वाले क्वेश्चंस में जाते हैं। यहां पर देखो डिसिप्लिन वाला क्वेश्चंस कहां गया भैया, सर डिसिप्लिन, तो हम करीब
यहाँ पर देखो एप्टीट्यूड रीजनिंग मैथमेटिक्स सभी कुछ सेशंस पूरे के पूरे दिए गए हैं और इसी पेपर को हम आज सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने। इसी पेपर को लेकर के मैं आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन से ऊपर पहुंचेंगे और ऊपर पहुंचेंगे भैया, एक एक करके ऊपर पहुंचते जाएंगे यहाँ पर। तो कहाँ मिलेगा भैया हमारा डिसिप्लिन का पेपर? डिसिप्लिन का पेपर कहाँ गया हमारा? डिसिप्लिन 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 देखो अवेयरनेस का, जनरल नॉलेज अवेयरनेस का पोर्शन है यहाँ पर। तो वन बाय वन इनको सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो डिसिप्लिन पे पहुंच जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने डिसिप्लिन पे, ऑलमोस्ट अपने डिसिप्लिन पे पहुंच गए हैं। तो ये हमारा डिसिप्लिन आ गया है, ठीक है, ये डिसिप्लिन आ गया है। तो डिसिप्लिन में अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन यहां पर मिल रहा है वो हमें क्वेश्चन नंबर 19 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा मिलने वाला है? 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्योंकि मैं यहां पर जो डील करने वाला हूं वो पोर्शंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्या आपको विजिबल हो रहा है ये प्रॉपर्ली? विजिबल हो रहा है? अरे भैया क्या हो गया भाई? कार्थी कार्थी सर, विच बोर्ड विल कंडक्ट द आरआरबी एसईसी? अरे बेटा कौन सा बोर्ड कंडक्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा इसमें मत पढ़ो, आपको केवल क्या करना है, पढ़ने में पढ़ना है। कोई भी बोर्ड कंडक्ट करे मैटर नहीं करता है, आपकी अगर प्रिपरेशन पूरा है तो मैटर ये बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ऑफिशियल सिलेबस अभी नहीं दिया गया है, तो सिलेबस हम मानते हैं फाइनल, जो पिछली बार की तरह होगा वही सिलेबस निकल करके आएगा। और वही सिलेबस अगर निकल करके आएगा तो अगर खुशबू जी अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है यार, तो टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल क्या है? वैभव सर सुपर कोचिंग, और वैभव सर सुपर कोचिंग नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं लिंक वगैरह शेयर कर देता हूं। तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम के बाद थोड़ा सा इंटरव्यू होता है, थोड़ा सा वॉइस टेस्ट होते हैं, तो काफी सारे प्रोसीजर होते हैं, तो वन बाय वन उन प्रोसीजर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अमनदीप जी यार अभी यार थोड़ी देर पहले बताया कैसे हो गए, ठीक है। क्लियरली नॉट विजिबल सर, क्लियरली नॉट विजिबल, ओके ओके ओके। तो क्लियरली विजिबल नहीं है तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यार इसको, या थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं या थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम करने पर दिखाई दिया, आई थिंक अब विजिबल है यार, अब विजिबल है। क्वालिटी बढ़ाओ अपनी, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ और विजिबल हो जाएगा। क्वालिटी बढ़ाओ, वरना मैंने आपको बता दिया कहां से डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करो और देखना है, ठीक है। सेल्फ पढ़ना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्लियर है? ऑफिशियल सिलेबस जल्दी ही आपको मिल जाएगा। अभी देखो मैं बता देता हूं, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं यहां पर, टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसमें? पाश्चन सीरीज में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पाश्चन सीरीज में पूछ रहा है। पाश्चन सीरीज में लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट की बात यहां पर की जा रही है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट की बात। थोड़ा सा और जूम करते हैं, अभी दिखाई दिया, अभी दिखाई दिया। अरे यार थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाओ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है यार, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल मेरे मोबाइल में क्लियरली यहां पर विजिबल है। क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो की थोड़ी सी, ठीक है। तो हम कहते हैं द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लैम्डा एल अपॉन लैम्डा एस इन अ पाश्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोस्पेक्ट्रम। क्योंकि देखो मैंने कोशिश की थी कि इसको यहां पर लेकर के आऊं, लेकिन यहां पर तो विजिबिलिटी आई थिंक और खराब आ रही है, यहां पर विजिबिलिटी और भी खराब आ रही है ना। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा एल अपॉन लैम्डा एस इन द पाश्चन सीरीज कितना होगा, पाश्चन सीरीज में कितना निकल करके आएगा। तो यहां पर विजिबिलिटी थोड़ी सी और खराब आ रही है, तो यहीं पर हम अपने सिलेबस को देख रहे होते हैं, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो क्या रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना आएगा, लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना आएगा। मतलब हम बात करते हैं लैम्डा एल अपॉन लैम्डा एस किसमें, पाश्चन सीरीज में। जब हम पाश्चन सीरीज की बात करते हैं तो यहां पर हाँ दिख रहा है अब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो हम बात करते हैं, देखो सेशन को शेयर करते जाओ और सेशन को लाइक कर देना यार, सभी लोग लाइक जरूर कर देना यार, इतने सारे बच्चे हैं और यहाँ पर इतने कम लाइक हैं यार, ये डीमोटिवेशन हो जाता है यार कई बार। तो मोटिवेशन तुम मेरी ऑक्सीजन रोक देते हो यार, ऑक्सीजन देते रहो मुझे बस ऑक्सीजन। तो देखो पाश्चन सीरीज की बात कर रहे हैं बेटा, तो जब भी हम बात करते हैं तो हमने जब एटॉमिक एनर्जी के डिफरेंट लेवल पढ़े हुए थे तो उसमें हमने चार पांच सीरीज पढ़े हुए थे, क्या? लाइमर बामर पाश्चन ब्रैकेट और फुंड, लाइमर बामर पाश्चन ब्रैकेट एंड फुंड। लाइमर सीरीज जो है हम बात करते हैं यहां पर पाश्चन का पूछा गया है, तो लाइमर बामर पाश्चन ब्रैकेट और फुंड पढ़ा हुआ था। ये n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, ये n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होता है, ये n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है, ये n इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होता है, और सर ये n इज इक्वल टू 5 से स्टार्ट होता है।
ये इनके लेवल होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या निकल के आते हैं, इनके लेवल निकल करके आते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल निकल करके आ रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल निकल करके आते हैं, उन लेवल के बेसिस पे एनर्जी, तो हमेशा जो एनर्जी होगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो हमेशा हायर एनर्जी में जंप करने की कोशिश करता है। किसमें? हायर लेवल में। तो यदि मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर जो वेवलेंथ निकल करके आती है वो कितनी होती है, 1/λ = R 1/N² - 1/M² ये फॉर्मूला यहां पर लगाया जाता है। अगर बेटा ये फॉर्मूला लगाया जाता है तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम बात करेंगे कि क्या निकल करके आएगा। सर इस फॉर्मूले के बेसिस पे बात करोगे तो देखो यहां पर कौन सी बोली गई, पाश्चन सीरीज, और पाश्चन सीरीज बोली गई है तो पाश्चन सीरीज के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ये तो सभी को कंफर्म है, ये तो सभी को कंफर्म है, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन एन की वैल्यू क्या होगी सर, ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर 3 है तो वेवलेंथ क्या चाहिए, लॉन्गर वेवलेंथ, और वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू hc/λ होता है, यानी मतलब E की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा निकल करके आएगी। अगर लैम्डा ज्यादा हुआ तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अगर लैम्डा ज्यादा हुआ तो E की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है मतलब 3 के बाद अगला एनर्जी सेल कौन सा है, 4। 3 के बाद अगला एनर्जी सेल कौन सा है, 4। तो ये 3 से कहां जंप करेगा, सबसे पहले 4 में जंप करेगा, और जब 4 में जंप करेगा तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा एल मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, लैम्डा एल मिलेगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, अभी तक कोई चांस नहीं है, बाद में देखेंगे यार, ये चांस वगैरह बाद में देख लेंगे, अभी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, है ना, है ना दोस्तों। तो अभी इनको सॉल्व करते हैं, लास्ट में मैं सारी बातें कर लूंगा चांस के क्या है। ठीक है, अब देखो अगर हमने n से 3 से 4 में गया तो एनर्जी कम से कम हुई, और एनर्जी अगर कम से कम हुई तो वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा निकल करके आएगी, तो हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे, लैम्डा l इज इक्वल टू कितना होगा, r 1 - 3² - 1 - 4² तो ये इक्वेशंस बन गई, यानी ये किसकी बन गई, लैम्डा l, यहां से लैम्डा l की वैल्यू निकाल लोगे आप, यस 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 निकाल लेंगे। ठीक है सर, अब n इज इक्वल टू 3 से अगर मैं एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, सर एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा दूं कि इनफाइनाइट पे ले जाऊं, एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा देता हूं कि इनफाइनाइट पे ले जाता हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो शॉर्ट आएगी। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी सर, शॉर्ट आएगी। देखो E इज इक्वल टू hc/λ से हमने पूरा रिलेशनशिप निकाला है, तो यहां पर लैम्डा 3 से कहां ले जाओ, इनफाइनाइट में, तो इस कंडीशन में जो लैम्डा आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा शॉर्ट वेवलेंथ आएगा, लैम्डा शॉर्ट वेवलेंथ आएगा, और अगर शॉर्ट वेवलेंथ आ गया तो 1/λs इज इक्वल टू कितना होगा, r 1 - 3² - 1 - ∞² और इन्फिनिटी का 1/∞² करोगे वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, यानी ry9 निकल करके आ जाएगा, कितना बेटा ry9। अब निकालना क्या है तुम्हें, लैम्डा l अपॉन लैम्डा s निकालना है, तो इन दो पैरामीटर को रखोगे और इन दो पैरामीटर को सॉल्व करके ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी 16/7। आपकी वैल्यू कितना मिल जाएगी, 16/7 यहां पर वैल्यू मिल जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करो और सेशन को लाइक करो जल्दी से फटाफट तरीके से फटाफट। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, 16/9 आंसर आ गया, 16/9 हमारा आंसर आ गया, ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से लो और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सीरीज याद रखना, लाइमर बामर पाश्चर ब्रैकेट एंड फुंड की हम बात करते हैं, यहां पर सीरीज निकल के आते हैं। तो इस पे क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा है और सेकंड शिफ्ट में भी इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में भी इसी फॉर्मूले पे, सेम फॉर्मूले पे हम बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन 19 था, दूसरा क्वेश्चन कौन सा निकल गया, 23 नंबर, तो हम 23 नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं, यहां से चलोगे हम 23 नंबर क्वेश्चन। तो डायरेक्टली देखो यहां पर मैथ के क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शंस हैं, जो ये पोर्शंस हैं वो आपका इलेक्ट्रिकल का पोर्शंस मोहित सर कवर अप करने वाले हैं, जो कि 10 से 11 के बीच में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम मैकेनिक्स और बाकी चीजों की बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, सही कथन बताइएगा क्या होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, माइक्रोवेव आर प्रोड्यूस्ड बाय द
कोलेस्ट्रॉल वाल्व। अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स जो प्रोड्यूस की जाती हैं वो कोलेस्ट्रॉल वाल्व के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल वाल्व के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। देन सेकेंड बोला है रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। गलत बात है, क्या होगा, वन एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तब जाकर के यहां इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम बात करेंगे। और वहां पर रेडियो वेव्स भी एग्जैक्टली नहीं होता है, माइक्रोवेव्स के फॉर्म में ही निकल के आएगा, क्योंकि माइक्रोवेव्स के बाद ही क्या होता है, रेडियो वेव्स निकल करके आते हैं। माइक्रोवेव्स के बाद क्या होते हैं, रेडियो वेव। ठीक है बेटा, दोनों ही करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस और थ्योरी दोनों ही करने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर हम 23 की बात करते हैं, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, इसलिए हमारा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा सही आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में और बता देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो सबसे पहले यहां पर क्या आता है, ये कॉस्मिक वेव आती है, क्या होती है, कॉस्मिक रेज आती है। कॉस्मिक रेज के बाद मैं बात करता हूं यहां पर क्या आती है, जल्दी बता दो, गामा रेज आती है। गामा रेज के बाद हम बात करते हैं कौन सी रेज आती है, गामा रेज के बाद आती है हमारी एक्स रेज। एक्स रेज की बात करते हैं, हम बात करते हैं यूवी रेज निकल के आती है। यूवी के बाद विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, और विजिबल के बाद हमारा कौन सा निकल के आता है मेरे बच्चों, जल्दी बता दो, इंफ्रारेड निकल के आता है। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव आती है, माइक्रोवेव आती है, और उसके बाद रेडियो या टेलीविजन वेव आती है। रेडियो या टेलीविजन वेव यहां पर आ रहा होता है, रेडियो और टेलीविजन वेव की बात हम यहां पर करते हैं। अब देखो, जैसे जैसे हम अपने राइट हैंड साइड में जाते हैं, जैसे जैसे राइट हैंड साइड में आते हैं, तो राइट हैंड साइड में जाने पे लैम्डा यानी वेवलेंथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि अगर हम विजिबल रेंज की बात करें तो 0.3 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में जो हमारा विजिबल रेंज निकल के आता है वो यहां पर हो रहा होता है। तो विजिबल रेंज की बात करते हैं यहां पर 0.3 से 0.5, मतलब लेफ्ट टू राइट साइड में जाते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मिक रेंज से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर लैम्डा बढ़ा यानी वेवलेंथ बढ़ी, तो वेवलेंथ के बढ़ने के केस में मुझे ये बता दो एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां साइड में जाने पर एनर्जी डाउन हो जाती है। सर एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और अगर एनर्जी डाउन भी, लैम्डा बढ़ा, तो फ्रीक्वेंसी बेटा बता दो, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो E is equal to hc upon lambda, E is equal to hc upon lambda, यहां से हमने फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशनशिप निकाला। और हम बात करते हैं V, अगर हम बात करते हैं V is equal to n lambda, तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम बात करें V वेलोसिटी है, या हम इसको इसलिए लिख रहे हैं C is equal to new lambda पढ़ा होगा, तो lambda inversely proportional to new भी निकल करके आ रहा होता है। lambda inversely proportional to new निकल करके आ रहा होता है। तो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी यहां पर होती जाती है, बढ़ती जाती है। और इस तरीके के क्वेश्चन भी तुम्हें पूछे गए हैं, आगे देखने को मिलेंगे, अभी आगे देखने को मिलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि यहां पर रेज लिख दी गई है और तुमसे पूछा है किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, या किसके लिए वेवलेंथ सबसे कम निकल करके आएगी, किसके लिए एनर्जी क्या निकल के आएगी। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम का तुम्हें बिल्कुल कंटस्थ हो जाना चाहिए, बिल्कुल रट लेना चाहिए कि इस तरीके से वेव का प्रोपोगेशन निकल करके आ रहा होता है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेना जल्दी लो और आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, ले लिया होगा अब तक, तो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के बाद देखो यहाँ पर, तो 37 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर निकल के आ जाता है। चलो तो 37 पे चलते हैं सीधे सर, 37 नंबर। बाकी क्वेश्चन मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिकल पोर्शंस के हैं, तो वो यहाँ पर कवर अप कर लिए जाएंगे अपने 10 से 11 बजे के सेशन में, ठीक है। चलो तो 37 पे चलो भैया, 37 हाँ, द वैल्यू ऑफ 7π/6 इनटू डिग्री शुड बी, द वैल्यू ऑफ 7π/6 इन डिग्री शुड बी। अब भैया ये तो सर ये बहुत ही ज्यादा लुल्ल सवाल है, क्यों भैया ऐसा बोला जाएगा, क्योंकि सर बचपन से हमें याद है। क्या याद है तुमको बचपन से, बचपन से याद है सर 180 डिग्री की बात करें तो पाई रेडियन के बराबर होता है। पाई रेडियन जो निकल गया था 180 डिग्री, तो एक रेडियन की बात कर लो सर, वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई निकल करके आएगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो कितना होगा 7π/6 रेडियन की बात करते हैं सर, तो कितना 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 7π/6 निकल करके आएगा, तो कितना हो जाएगा 210 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो 210 डिग्री आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं होगी, लैम्डा, अगर हम कहें लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी,
तो लैम्डा बढ़ रहा था, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या नहीं? वही तो लिखा था यार, काहे परेशान होते हो, वही तो लिखा था मैंने, एक्सप्रेशन के साथ बताया था, एक्सप्रेशन के साथ बताया होगा, ठीक है। तो हमने बात की यहां पर, अब देखो यहां पर कई बार क्या होता है, ये रेडियन टू मिनट और सेकंड में कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं 360 डिग्री की, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन निकल करके आता है। अब रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन आप कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन अगर हम बात करें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 60 सेकंड्स के बराबर होता है। और 1 सर्कमफेरेंस की बात करें तो 1 सर्कमफेरेंस की बात करते हैं तो 1 सर्कमफेरेंस किसके बराबर निकल के आता है, वो निकल के आता है हमारा 360 डिग्री के बराबर, यानी 2 पाई रेडियन के बराबर निकल के आता है। कितना? 2 पाई रेडियन के बराबर निकल के आता है, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं यहां पर, ये कंडीशन यहां पर निकल के आती है। अब कई बार क्या होता है, यहां पर बोलेगा 720 डिग्री, बेटा क्या बोलेगा, 720 डिग्री को तुम किस में कन्वर्ट करो, 720 डिग्री को कन्वर्ट कर दो रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट कर दो, कुछ मत करना, 360 इसमें से माइनस कर देना। 720 की बात करें तो 360 यानी कितना हो गया, 360 तो हो गया 36 × 72, 710 कर लेते हैं इसको, कितना 710 डिग्री, तो 710 डिग्री को देखे तो कितना हो जाएगा, 350 डिग्री आएगा। बस 350 डिग्री को तुम किस में कन्वर्ट कर देना, रेडियन में कन्वर्ट कर देना, डायरेक्टली आंसर निकल कर जाएगा। तो ये भी यहां पर कर सकते हो यार, 2 सर्कमफेरेंस बोल दिया तब भी तुम यहां पर कन्वर्जन कर सकते हो। तो इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जाता है। 37 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पे है हमारा, तो 54 नंबर पर पहुंच जाओ सीधे, कहां पहुंच जाओ, 54 पे। चलो 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 चलो, सेशन को शेयर मारते रहो यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ये, ठीक है, सेशन को शेयर मारते रहो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन, अगर रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट निकल गया था, ठीक है, सभी के लिए ये सेशन, सभी के लिए बच्चा, सभी के लिए ये सेशन है, काहे टेंशन लेते हो तुम, तुम्हारे हमारे सभी के लिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है रदरफोर्ड का, हम बात करते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किस पर बेस्ड निकल करके आता है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है वो किस पर बेस्ड निकल करके आ रहा होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग फ्रॉम द गोल्ड फॉइल, इस पर बेस्ड होता है। तो रदरफोर्ड के रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, यहां पर एक गोल्ड फॉइल ली गई थी और इसमें अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की गई थी, अल्फा पार्टिकल की क्या की गई थी, बॉम्बार्डिंग, और उसके बेसिस पे न्यूक्लियस का पता लगाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा इसके पहले जो आए थे वो कौन से थे, प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसमें हमने बात किया तरबूज की तरह, जैसे तरबूज के बीज लगे होते हैं उसी तरीके से पूरे मास में हमने बोला था इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं, लेकिन वो मॉडल गलत हो गया था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की हुई थी, किस पर, गोल्ड फॉइल पर, और उसके बेसिस पे अपना पूरा का पूरा एनालिसिस किया हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर निकल के आएगा। तो 54 की बात करें, कितना इजी क्वेश्चन है यार, कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन, अब देखो यहां पर 54 के बाद इस पेपर में जो है अपना पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब क्या करना पड़ेगा सर, दूसरा पेपर देखना पड़ेगा, दूसरा पेपर देखना पड़ेगा। तो सर ने क्या किया, यहां पर नीचे वाला दूसरा पेपर है, जो यहां पर नीचे वाला दूसरा पेपर है, यहां पर दूसरा पेपर जो था अपना सेकेंड शिफ्ट का, ये जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था 27 जुलाई शिफ्ट 2 की बात करते हैं, तो 27 जुलाई शिफ्ट 2 को अपन ने ओपन कर लिया, 27 जुलाई शिफ्ट 2 को ओपन किया, और ये हमारा 27 जुलाई शिफ्ट 2 ओपन हो जाता है। तो लो ये हो गया हमारा दूसरा पेपर ओपन। अब दूसरा पेपर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, अरे आरआरबी जेई के लिए काहे परेशान हो रहे हो यार, जब आएगा तब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल हो जाएगा, और बिल्कुल तसल्ली से करेंगे यार, तरीके से करेंगे, एकदम बिल्कुल फोड़ देंगे आरआरबी को इस बार, बिल्कुल फोड़ेंगे, काहे टेंशन लेते हो। और जितने लोग हैं यार उतने तो लाइक हो जाने चाहिए जल्दी, अब तक कंजूसी मत करो बिल्कुल भी कंजूसी मत करो, यहां पर बिल्कुल यहां पर लाइक हो जाने चाहिए जल्दी से। हाँ, अब हम बात करते हैं यहां पर क्या था हमारा जो पेपर था, सेकंड पेपर, उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन देख लो, तो 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 10 नंबर का क्वेश्चन कहां गया सर, 10 नंबर का क्वेश्चन अपने डिसिप्लिन में जाना है 10 नंबर के क्वेश्चन पे, तो 10 नंबर का क्वेश्चन डिसिप्लिन में निकल करके आ गया यहां पर। चलो ये आ गया है 10 नंबर का क्वेश्चन अपना,
बिल्कुल तुम्हारे सामने पीवाई क्यूज उठा रहा हूं, बिल्कुल पूरे पूरे। ये क्या है हमारा, चलो ये तो जीके वाला पोर्शन है, चलो ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा। देखो फिर से मैंने बोला था ना, शिफ्ट टू में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। अब शिफ्ट टू में जब सेम क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसमें किसके सीरीज के बारे में पूछा गया है, ब्रैकेट सीरीज के बारे में पूछा गया मेरे बच्चों, ब्रैकेट सीरीज के बारे में पूछा गया, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज के बारे में पूछा गया बेटा, AI इज बेटर, CGL से बेटर है, तुम AI की प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, और तुम्हें लगता है कि CGL में बेस्ट कर सकते हो तो CGL में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम बोथ लैंग्वेज में होता है बेटा, पेपर किसमें आ रहा है, देखो यार ये पूरा का पूरा पेपर उठाया है, क्या बोथ लैंग्वेज में आ रहा है पेपर, तो आप पूछ रहे हो बोथ लैंग्वेज की, ठीक है बेटा। जितने कैंडिडेट होंगे उसके हिसाब से शिफ्ट डिसाइड होते हैं कि कितने शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये हम नहीं बोल सकते हैं कितने शिफ्ट में होगा अभी, तो सेम पेपर जो है वो अलग अलग शिफ्ट में हुआ है पहले, तो हो सकता है अलग अलग शिफ्ट में होगा। इसका आंसर देखो कैसे निकालोगे, द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेव टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट टू द शॉर्टेस्ट की बात करते हैं तो किसके लिए, ब्रैकेट सीरीज के लिए, फिर से लाइमर बामर पाश्चर ब्रैकेट और फुंड। अगर ब्रैकेट सीरीज की बात कर रहा है ये क्वेश्चन जो है ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। ब्रैकेट सीरीज के लिए कितना होना चाहिए n की वैल्यू कितना होना चाहिए यहां पर, तो n की वैल्यू होना चाहिए। देखो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो उसमें डिफरेंट सीरीज बनती है, तो लाइमर बामर पाश्चर ब्रैकेट और फुंड जो सीरीज बनती है उसमें लाइमर के लिए n की वैल्यू 1, ब्रैकेट के लिए 2, लाइमर बामर के लिए 2 और हम बात करते हैं पाश्चर के लिए 3 और ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5 होती है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है आर 1/n² - 1/m² लिखा जाएगा, है या नहीं। अब मुझे बताओ अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, 1/λ होता है सॉरी, अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए है तो n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू तो होगी सर 4, m की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, कोई मुझे बताएगा m की वैल्यू कितनी होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, m की वैल्यू कितनी होगी। अरे 25/9 तो आंसर लिखा हुआ है लेकिन m की वैल्यू बताओ कितनी होगी, कोई मुझे बताएगा m की वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर m की वैल्यू निकालना है तो 4 से इसको कहां जाना पड़ेगा 5 में, जब 4 से 5 में जाएगा तो लैम्डा क्या होगा लॉन्गेस्ट निकल करके आएगा, क्यों, क्योंकि अगर हमने देखा तो एनर्जी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर लैम्डा मेजर चाहिए है तो एनर्जी मिनिमम चाहिए होगी, लैम्डा अगर हम बात करते हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, SSC JEE मेक इन अब्रॉड सब चल रहा है भाई, सब चल रहा है, काहे देखते हो, तो यहां पर 1/5² निकल करके आएगा, तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। 1/λ² की बात करो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहां पर होगी, अगर हम बात करें आर 1/4² और यहां पर m की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बता दो m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए है एनर्जी मैक्सिमम और एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो इनफाइनाइट वाले सेल पे भेज दो, इनफाइनाइट वाले लेयर पे भेज दो और लैम्डा क्या करोगा मिनिमम निकल के आएगा, तो ये हो गया इक्वेशन 2 और हमें क्या निकालना है लैम्डा एल बाई लैम्डा एस निकालना है, तो लैम्डा एल बाई लैम्डा एस यहां से निकाल लोगे या नहीं, हाँ या ना, तो इस बात पे थम्सअप तो बनता है यार, जल्दी से प्यारे बच्चों एक थम्सअप बनता है और थम्सअप कर दो जल्दी से, तो यहां पर कितना निकल के आएगा 25/4 निकल करके आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना निकल के आएगा 25/4 यहां पर निकल करके आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन 2 अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है तो मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लो ये सीरीज को समझ लो, लाइमर वामर पाश्चर ब्रैकेट फुंड और यहां पर ये फॉर्मूला रट लो, बस इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया बिल्कुल BSc मैथ ऑनर वाले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कर सकते हैं बच्चा कर सकते हैं। चलो तो हम बात करते हैं 10th नंबर की बात की हमने, ये 10th नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा है हमारा सर, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, तो सर 28 नंबर पे आ जाओ, 28 नंबर पे आ जाओ जल्दी से, 28 नंबर कहां गया, ओ मेरे भाई कहां खो गया तू, जल्दी आ जा यहीं पे। 28 नंबर की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेज हैज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देखो यही क्वेश्चन बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, यही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, क्या मेरे बच्चों क्या यही बताया था, विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इनको जमा लो, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा क्या आएगा कॉस्मिक रेज, फिर क्या आएगा गामा रेज, फिर आएगा एक्स रेज,
फिर एक्सरेज के बाद यूवी रेज, यूवी रेज के बाद विजिबल रेज, विजिबल रेज के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद हमारा कौन सा आता है माइक्रोवेव, और उसके बाद क्या आता है रेडियो वेव्स निकल करके आ रहा होता है। तो इसी ऑर्डर में जमाएंगे तो हमारा रेडियो वेव्स क्या हो जाएगा आंसर, बताओ फिर से बनाने की जरूरत है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से बनाने की जरूरत है पूरा स्पेक्ट्रम फिर से बनाने की जरूरत है क्या? और ध्यान रखना इंफ्रारेड में भी दो रीजन होते हैं, एक होता है मिड इंफ्रारेड और एक होता है नियर इंफ्रारेड। तो विजिबल के जस्ट बाद जो आता है, विजिबल के जस्ट बाद जो आता है वो हमारा कौन सा होता है, वो होता है नियर इंफ्रारेड, और इसके बाद आता है वो होता है मिड इंफ्रारेड। क्या होता है मिड इंफ्रारेड। क्रिस्टल क्लियर है? अरे भैया काहे परेशान, रिवीजन क्लास भी है तुम्हारी, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी क्लास है, सारी चीजें करके चल रहे हैं यार, बिल्कुल 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 बहुत बढ़िया, तालियां बजती रहनी चाहिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का उत्साह वर्धन करते रहो, जल्दी जल्दी जल्दी, तो बहुत बढ़िया यार, तुम तो खतरनाक ही हो गए हो अब, अब एक बार में तुम्हें क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, तुम कर गए 31, तो 31 नंबर देखो सर, 31 नंबर देखो, अरे वेक्टर का क्वेश्चन आ गया सर, वेक्टर का क्वेश्चन 31 नंबर जो है वो वेक्टर का क्वेश्चन है सर। अगर वेक्टर का क्वेश्चन देखो सर, द वेक्टर 20i कैप प्लस अगर हम बात करते हैं 50j कैप को किसी दूसरे वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है और रिजल्ट आता है 25i कैप प्लस 10j कैप निकल के आता है, 25i कैप और 10j कैप निकल के आता है। सर इसमें कैसे करेंगे बेटा, यहां पर एक वेक्टर मान लो, वो वेक्टर क्या मान लोगे, ai कैप प्लस vj कैप, हमने एक वेक्टर मान लिया, इस वेक्टर को मैंने जोड़ दिया और क्या आया फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आया 25i कैप प्लस 10j कैप निकल के आया। सर ये तो सिंपल सिंपल एडिशंस हो गया ना, तो बिल्कुल यार वही तो निकालना है, ai कैप की वैल्यू निकालना है प्लस bj कैप की वैल्यू निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 25 - 20 यानी 5i कैप, 10 - 50 यानी -40j कैप, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है और b की वैल्यू कितनी आ गई -40। तो अगर अलग से हमसे a और b की वैल्यू पूछता तब भी हम बता देते, और यहां पर डायरेक्टली वेक्टर पूछा है तो वेक्टर भी बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, चेंज कैसे करूंगा समझो बात को, चेंज कैसे करूंगा समझो बात को, इसने बोला कि ये जो वेक्टर है इसको किसी दूसरे वेक्टर के साथ एडिशन किया गया है और रिजल्टेंट हमारा r वेक्टर आया है, तो बताओ इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो वेक्टर को ऐड किया गया है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे कैसे होगा, तो मतलब ai कैप प्लस bj कैप का जो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है वो क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ a² + b² निकल के आएगा, कितना अंडर रूट ऑफ a² + b² निकल के आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया और तुम कंफ्यूज हो गए, सर मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अरे मैग्नीट्यूड तो एकदम बिल्कुल छोटी सी चिंदी सी चीज है, तुरंत निकल गया या नहीं, तुरंत निकल गया, तो ये हमने तुरंत निकाल लिया। अब कुछ और हम बात कर लेते, अब वेक्टर की बात आ गई है सर, तो वेक्टर का कुछ और चीज देख लेते, क्या देखेंगे वेक्टर के बारे में, वेक्टर के बारे में बेटा हम देखते हैं यहां पर, अगर हमने a क्रॉस b वेक्टर करते हैं तो a क्रॉस b वेक्टर की जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है ए बी साइन थीटा, कितनी होती है ए बी साइन थीटा, और थीटा क्या है, थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल होता है, थीटा इज द एंगल विच इज क्रिएटेड बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। और a डॉट b की बात करें, a डॉट b की बात करें तो कितना होता है a b cos थीटा निकल करके आता है, कितना होता है a b cos थीटा निकल के आता है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल थीटा निकल के आता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना हुआ तो हम इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, क्यों, इसका रीजन मैं बता देता हूं। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा सा मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा कि a क्रॉस b को सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके से लेकर के जाओगे। तो एक बार मैं इसको पूरा का पूरा इरेज कर देता हूं, उसके बाद आगे की बात करता हूं। यहां पर अरे यार क्या हो गया, चलो ठीक है लो एक बार में इरेज हो गया। अब देखो यहां पर जब भी हम a क्रॉस b की बात करते हैं, a क्रॉस b, तो लेट से a वेक्टर है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप निकल करके आता है, ठीक है। और b वेक्टर जो है वो हमारा b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप निकल करके आ रहा होता है। तो इसको जब भी सॉल्व करना है तो मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा i कैप j कैप और k कैप, ठीक है।
यहाँ पर A1 की वैल्यू रखो, यहाँ पर A2 की वैल्यू रखो, यहाँ पर A3 की वैल्यू रखो, यहाँ B1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, यहाँ पर B3 की वैल्यू रखो और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लगा लेना प्लस माइनस प्लस साइन, कितना प्लस माइनस प्लस साइन। तो ये जब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें लिखा जाएगा यहाँ पर A2 into B3, A2 B3 माइनस कितना होगा हमारा B2 A3 निकल करके आएगा और इसको कितना लिखेंगे आई कैप के साथ लिखेंगे, किसके आई कैप के साथ लिखेंगे, यहाँ पर आई कैप के साथ लिखेंगे, ठीक है। और यदि मैं लिखना चाहूं दूसरा पैरामीटर तो दूसरे में यहां पर काट दो पूरा, तो माइनस ऑफ जे कैप आता है, माइनस ऑफ जे कैप आता है, उसके बाद क्या होगा ए वन बी थ्री, ए वन बी थ्री माइनस क्या हो जाता है यहां पर बी वन ए थ्री, बी वन ए थ्री निकल करके आता है। तो हम बात करते हैं पहले ये वाला डायगोनल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे ये, तो सेम तरीके से करना है प्लस के कैप, प्लस के कैप इज इक्वल टू कितना होगा ये तीसरा वाला डायगोनल माइनस कर दो, तो ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू निकल करके आएगा। तो ये क्या हुआ इसका, इसका यहां पर निकल करके आ गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू कितना होता है के कैप निकल के आता है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू कितना होता है हम बात करते हैं, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू हम बात करते हैं सॉरी आई जे, जे क्रॉस के, अगर जे क्रॉस के की बात करें तो कितना निकल गया आई कैप निकल के आता है, और यदि मैं बात करता हूं यहां पे के क्रॉस आई कैप निकल के आएगा तो वो कितना जे कैप निकल करके आएगा, लेकिन अगर मैं आई क्रॉस के कैप कर देता हूं तो वो माइनस जे कैप कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा माइनस जे कैप कहा जाएगा। अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया आई क्रॉस के कैप तो ये क्या होगा माइनस जे कैप के बराबर होगा, किसके बराबर होगा माइनस ऑफ जे कैप के बराबर निकल के आएगा, जब भी इनको रिवर्स करोगे माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, अगर तुम डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना है इसमें किस तरीके से होगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होता है सर, डॉट प्रोडक्ट का केस, तो ए वेक्टर ए अगर हम बात करते हैं यहां पर क्या होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकल करके आएगा, तो यहां पर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप दो पैरामीटर को लेकर के चल रहा हूं इनटू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप, तो सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू और यहां पर निकल कर आएगी एक स्केलर क्वांटिटी सिंपली, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू वन होता है जबकि यहां पर आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जीरो निकल करके आता है, आई कैप डॉट जे कैप जीरो होता है, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू वन। इसी तरीके से आई कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू कितनी होती है वो जीरो निकल करके आ रही होती है, इसी तरीके से जे डॉट जे क्रॉस जे की बात करते तब भी यहां पर निकल के आती है और ये कंडीशन निकल, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आने तो दो मैं करवा दूंगा, मैंने बोला तो है ये पोर्शन मैं ही डील कर रहा हूं यार, काहे परेशान हो रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है। अरे भैया एक एक करके कर तो रहा हूं सुकन्या शर्मा जी, एक एक करके कर ही तो रहा हूं आपके सामने सॉल्व, ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे। चलो तो हम बात करते हैं यहां पर, यह सारा वेक्टर का रिविजन हो गया, एक क्वेश्चन और वेक्टर का रिवीजन के वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होना है, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, कुछ वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, कुछ होती हैं स्केलर क्वांटिटी, और जब भी एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, समझना बात को, एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर निकल करके आता है मेरे भाई, रिजल्टेंट भी क्या निकल के आता है एक वेक्टर निकल करके आता है। तो 31 की बात करें, इसमें 31 नंबर क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली है यार, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की सर, अगला क्वेश्चन भी बता दो, 34 नंबर पे आ जाओ 34 नंबर पे, ओहो 34 नंबर क्या बोलता है, द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, शुक्रिया, किसी ने तो बोला यार, मेरे घर वाले तो बोलते ही नहीं है, बस गाना गाने का मत बोलना नहीं तो तुम्हें सबसे बेकार आवाज मेरी लगेगी, कौवे से भी बुरी आवाज लगेगी तुम्हें, समझ रहे हो बात को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम बात कर देंगे एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, हम बात कर देखो एक क्वेश्चन और रिवीजन हो रहा है, एक क्वेश्चन और रिवीजन, मैंने वेक्टर रिवाइज करवा दिया या खड़े खड़े, तो मैं घंटों नहीं लगाए के थ्योरी पढ़ाऊंगा और क्या करूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट है यही कहीं रिवाइज किया है भैया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो हम कहते एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन डाइलेक्ट्रिक पोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे भैया इलेक्ट्रिक क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी टॉर्क की बात होती है बेटा तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इनटू रेडियल डिस्टेंस ऑफ द फोर्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंट्रोइड। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन इनटू ये मीटर, तो न्यूटन इनटू मीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ये तो सही है सर, लेकिन सर ये डायमेंशन के फॉर्मूले में पूछ लेता है, डायमेंशन के फॉर्म में पूछे सर वो कैसे करेंगे, तो न्यूटन के लिए क्या निकालते हैं एम एल टी माइनस टू सर, और रेडियस के लिए कितना लगाएंगे एल लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा। तो तुम मुझे बता दो क्या ये वर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला है या नहीं, वर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा या नहीं, बिल्कुल वर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम निकल करके आता है, वर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। तो कई बार ऐसे यूनिट लिख देगा, बोलेगा किस किस के यूनिट ये है, एक नया क्वेश्चन बना देगा, बोलेगा किस किस का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है और क्वांटिटी दी जाएंगी, तो सभी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला याद करना हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में क्या है उनके फॉर्मूले याद करो बेटा। तो एक फॉर्मूला कॉपी बनाते हुए चलना और जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं जितने भी क्वांटिटी आ रहे हैं उनके फॉर्मूले लिख लो और फॉर्मूले के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला बना दो, झकास से क्वेश्चन हो जाएगा, झकास से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहां पर बनता है, तो मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारी सोच बढ़ा रहा हूं, एक क्वेश्चन तुमने किया तुमने सोचा ये भी बनेगा, अच्छा ये सी क्वेश्चन, अच्छा ये सब क्वेश्चन बनेगा, और बहुत बढ़िया बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। तो हम 34 नंबर क्वेश्चन कर लिया इस पेपर का, अगला क्वेश्चन करते हैं 46 नंबर पे चलते हैं। भैया 46 नंबर पे आ जाओ जल्दी से, अरे अलादीन के चिराग 46 पे पहुंचाते मुझे जल्दी से 46, बहुत आगे पहुंचा दिया यार तूने, क्या बात कर रहा है, ये लो भैया 46 की बात करेंगे, 46 का आंसर बताओ जल्दी से 46 का। तो जल्दी से शेयर और लाइक करते चलो, शेयर और लाइक करते चलो, सेशन को शेयर और लाइक करो फटाफट फटाफट। ठीक है, और हम आते हैं द बोहर रेडियस इज इक्वल टू, लास्ट में बता दूंगा तुम्हें थ्योरी कहां से पढ़ना है, पूरा थ्योरी बता दूंगा कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो बोहर रेडियस की बात करें सर, बोहर रेडियस क्या होता है, तो बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला था कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होगा वो न्यूक्लियस का रेडियस किस ऑर्डर में निकल करके आएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेली लाइव क्लास का टाइम जो है शाम को 9 बजे से 11 बजे तक है, 9 से 10 मैं अपने मैकेनिक्स और बाकी सारे पोर्शंस को लेकर के आऊंगा, और मोहित सर इलेक्ट्रिकल और आपका वेव थ्योरी का पोर्शन, लाइट का पोर्शन, ऑप्टिक्स का पोर्शन वो लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। तो हम देखो मोहित सर उसमें एक्सपर्टाइज है, मेरा इसमें एक्सपर्टाइज है, तो अपने अपने एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट उठा रहे हैं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बोहर रेडियस इज इक्वल टू द सिंपली डायरेक्टली डाटाबेस क्वेश्चन है, बोहर रेडियस जो होती है अप्रोक्सीमेटली 5.29 × 10⁻¹⁻ मीटर के बराबर होती है, 5.29 × 10⁻¹⁻ मीटर। अब इसमें इससे ज्यादा कुछ और डिटेल है नहीं है अभी, तो अभी आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन से आगे बढ़ोगे तो 46 की बात करें, यहां पर 49 की बात कर लो भैया, 49 फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखना फिर से वही क्वेश्चन आ गया सर, 49 नंबर इसका वेक्टर की बात कर रहा है सर, वेक्टर की बात कर रहा है, वेक्टर वाला क्वेश्चन आगे सर, सर लैम्डा आई कैप, लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस बात करते हैं 2 लैम्डा के कैप सर, इसका क्वांटिटी कितना है, ये यूनिट वेक्टर है सर, सर ये कैसा है यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर की बात करते हैं यहां पर तो उसका लिए लैम्डा की वैल्यू निकालो क्या है, अगर ये यूनिट वेक्टर है मेरे बेटे तो ये वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉड्यूलस निकाल लो वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, यानी और मॉड्यूलस निकाला है यानी मैग्नीट्यूड निकाला, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4 4 8 और 1 9 और हम बात करते हैं 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू सर कितना हो जाएगा 1/3। अरे घटिया सवाल था सर ये, घटिया सवाल, ऐसा सवाल कोई पूछता है AIITC में, ऐसा सवाल कोई पूछता है, कल मैंने ऐसे ही क्वेश्चन करवाए तो बच्चे बोले सर ये AIITC के नहीं है, AIITC के, लो भैया आज पेपर उठा करके करवा रहा हूं तुमको ये क्वेश्चन, कल के वीडियो में कई लोग बोले सर ये AIITC नहीं खेल रहे सर, ऐसा नहीं हो रहा है, तो भैया ये AIITC के ऐसे घटिया घटिया क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलो तो 49 की बात करें, यहां पर 49 का आंसर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पे आ जाओ, चलो 51 नंबर आ जाओ, लो 51 पे आ गए हम, द रेडियन इक्विवेलेंट तो 150 डिग्री के बराबर जो रेडियन आएगा वो कौन निकल करके आएगा, 150 डिग्री के बराबर जो रेडियन आएगा वो किसके बराबर निकल करके आएगा, तो 150 डिग्री हम आते हैं 180 डिग्री हमें पता है सर पाई रेडियन होता है, पता है या नहीं, बिल्कुल पता है सर 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री कितना होगा सर पाई बाई 180 होगा सर, बहुत बढ़िया, और 150 डिग्री कितना होगा सर पाई बाई 180 इंटू 150 निकल करके आएगा सर, तो 5/6 तो 5, अगर हम बात करें 5 पाई बाई 6 निकल करके आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर है सर, 1 नंबर आंसर इज द राइट आंसर, और ये कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया है पिछले क्वेश्चन में। तो जितने भी पेपर उठा रहा हूं ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड के
क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड के। पहली शिफ्ट में भी यही था, सेकंड शिफ्ट में भी कुछ ऐसा ही दिया गया है, सेकंड शिफ्ट में भी कुछ ऐसा ही दिया गया है। चलो 51, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो बच्चों। 51 से आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, तो कहां पर आ गए, 56 पे आ गए। ओहो हो, 56 की बात करो। ओहो हो, अच्छा क्वेश्चन है यार, ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है 56 का। अरे 56 नंबर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स 265 एंड 239। 265 एंड 239 के बीच में हमें क्या पता करना है यहां पर, 239 के बीच में क्या पता करना है मेरे बच्चों, यहां पर हमें पता करना है 265 और 239 के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दो पॉइंट्स के बीच में। ओहो, निकालो डिस्टेंस जल्दी से, डिस्टेंस निकालोगे क्या, निकालोगे? जल्दी मुझे बता दो यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट 265 एंड 239 कितना होगा? तो भैया सिंपली लगा दो ना, ज्योमेट्री लगा दो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये होगा एक्स वन y1 z1 और ये क्या होगा x2 y2 z2, किसी को भी x1 y1 z1 मान लो, वहां से निकल करके आएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो यहां पर, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 जीरो का स्क्वायर प्लस कितना 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कितना हम 5 माइनस 9 का स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे, अंडर रूट ऑफ सर 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 को 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 25, 25 वाले तो 5 यूनिट निकल करके आ जाएगा, कितना 5 यूनिट। दूसरा वेक्टर के तरीके से कर लो, वेक्टर के तरीके से कैसे करोगे, फर्स्ट को 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप बना दो और इसको क्या बना दो 2i कैप 3j कैप और 9k कैप बना दो, और उस तरीके से भी तुम वेक्टर के सॉल्यूशन से भी इसका आंसर निकाल सकते हो मेरे बच्चों, निकाल सकते हो। और अगर दो होते, दो कोऑर्डिनेट होते, x1 y1 होता और x2 y2 होता, अगर दो कोऑर्डिनेट होते तो उस तरीके से भी तुम यहां पर आंसर निकाल सकते थे, तो बिल्कुल उस तरीके से भी आंसर निकाल सकते। तो 56 की बात करें तो हमारा आंसर आ चुका है और हमने मेथड्स भी चेक कर लिए, सर मेथड कैसा होगा। तो 56 के बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर कौन सा आएगा 12 नंबर। अब 12 नंबर की बात करें तो बेटा तीसरे नंबर के पेपर पर जाना पड़ेगा, हमें कहां जाना पड़ेगा, तीसरे नंबर के पेपर, तीसरे नंबर के पेपर चलते हैं। यहां पर पहला पेपर हो गया है 27 जुलाई 2022, हम आते 27 जुलाई 2022 शिफ्ट हो गया है और हम आते हैं शिफ्ट थ्री पे चलते हैं, शिफ्ट थ्री पे चलते हैं। अब शिफ्ट थ्री को निकाल लेते हैं, भैया शिफ्ट थ्री आ जाओ यार, तुम भी आ जाओ शिफ्ट थ्री, आज तीनों ही शिफ्ट को कंप्लीट कर देते हैं ना, शिफ्ट थ्री पे आ जाते हैं। ओहो हो, शिफ्ट थ्री में पहला क्वेश्चन हमारा किस नंबर का है, 12 नंबर का। सर पहला क्वेश्चन 12 नंबर पे पहुंच जाओ, सर 12 नंबर पे, 12 नंबर 12 नंबर 12 नंबर, चलो यहाँ आ गए 12 नंबर पे। ओह बहुत आगे निकल आए क्या, हाँ 12 नंबर पे आना था, बहुत आगे निकल आए अपन, तो ये आ गए 12 नंबर पे। आहा हा, द वैल्यू ऑफ टेन 315 डिग्री दिखाई दे रहा है, जूम करना है थोड़ा सा, लो जूम कर दिया, ठीक है ज्यादा जूम तो नहीं हो गया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है चलो। तो हम बात करते हैं यहां पर क्या है, द वैल्यू ऑफ tan 315 डिग्री इज सेम एज द वैल्यू ऑफ tan 315 डिग्री, tan 315 डिग्री को बताओ, तो tan हम बात करते हैं 360 माइनस 45 इज इक्वल टू कितना आता है, हम आ गया tan 45 निकल के आया, वो किसके बराबर आ गया है, 1 के बराबर आ गया है। तो यहां से चेक करो tan 135 की वैल्यू चेक करो, तो tan 135 भी कितना होता है, 1 के बराबर निकल के आता है, यानी तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, सेम हो गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको साइन कॉस टेन की बात पता होना चाहिए, और साइन कॉस टेन की बात पता होगी तो वहां से आप आंसर आसानी से निकाल पाओगे। अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम बताओ, कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं, ज्यादा बहुत हाई लेवल का भी नहीं पढ़ना है, बहुत लो लेवल का भी नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद तुम पीएचडी करते रहो कुछ भी करते रहो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी इतना पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो जाए, हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो जाए, ये चीज हमें करना है। तो पीवाईक्यू करवाने का मतलब समझ में आ रहा है, हम पीवाईक्यू इसलिए कर रहे हैं सो दैट हमें क्वेश्चन का लेवल पता चले, किस लेवल तक जाना है। कोई बोलता है सर इतना हार्ड पेपर आएगा, इतना ये आएगा वो आएगा, छोड़ो यार हम तो पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो 19 नंबर पे आ जाओ सीधे, 19 नंबर पे आ जाओ, 19 नंबर, 19 नंबर की बात करेंगे, 19 नंबर द पॉइंट ए बी, सॉरी 19 कहां गया यार, हां द पॉइंट ए बी जीरो लाई इज,
अगर ए बी जीरो की बात करते तो ए बी जीरो कहां पर लाएं? तो बिल्कुल यार 11 बजे तक बने रहना है, जोश को बरकरार रखना है, 11 बजे तक बने रहना है, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, साइन 90 इज ऑल्सो वन, किसमें? पिछले क्वेश्चन में टू क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अरे यार बीच में तुम्हारे ये रुक गए थे थोड़े से कमेंट, अभी आने चालू हुए। चार सेम वाले नहीं कर सकते हैं यार, अगर हम बात करें चार सेम वाले, बिल्कुल हम बात करें, देखो यहां पर देखो ए बी और जीरो है, अगर ए बी और जीरो है, अगर ए बी जीरो है तो मतलब हम बात करते हैं ये किसको एक्स कोऑर्डिनेट को शो करेगा, ये किसको वाई कोऑर्डिनेट को शो करेगा और ये किसको जेड कोऑर्डिनेट। अगर जेड कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब ये किस प्लेन में आ रहा है? एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, किसमें? जेड कोऑर्डिनेट जीरो तो एक्स वाई प्लेन में आ रहा है। अगर इसी को मैं लिख दूं जीरो ए बी, अगर जीरो ए बी लिख दिया तो अब बताओ एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया तो कौन सा प्लेन आ गया, कौन सा प्लेन आ गया? हम बात करते हैं ये जो आया है वो वाई जेड प्लेन निकल गया, कौन सा? वाई जेड प्लेन। और अगर हमने बात की ए बी सी तीनों लिख दिया है तो किसमें आ गया है? हम 3D स्पेस की बात कर रहे हैं, ये 3D स्पेस में निकल करके आ गया है, ये किसमें? 3D स्पेस में। अगर मैंने लिख दिया ए जीरो बी, अगर ए जीरो बी की बात करी तो ए जीरो बी किसमें आ गया? बाई कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, किसकी? एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्लेन की फॉर्मूले में पूछा जा रहा था। 19 की बात करें यहां पर ये आंसर होगा, चलो 19 के बाद 20 की बात कर लो। यहां पर रदरफोर्ड स्कैटरिंग प्रूव्ड दैट, अगर हम आगे कौन सा नंबर है 31 नंबर, 31 पे आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ। तो 31 की बात करें तो क्या आ रहा है यहां पर? रदरफोर्ड स्कैटरिंग प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव किया रदरफोर्ड ने? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने बात की जब गोल्ड फॉइल से हमने अल्फा पार्टिकल को डाला हुआ था तो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? सेंटर के तो क्या हुआ, ये जो हुआ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, यहां से तो पास होगा सीधे सीधे लेकिन सेंटर से यहां जाके डिफ्लेक्ट हो गए थे, ये सेंटर से। तो इसने क्या प्रूफ कर दिया था? इसने प्रूफ कर दिया था कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो न्यूक्लियस में भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिपल्सिव फोर्स आ जाता है, जबकि यहां दूर से जाने वाले पार्टिकल यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन है तो ये सीधे के सीधे निकल जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसकी प्रेजेंस को बताया हुआ था, किसकी प्रेजेंस को बताया था? हमने बात की थी यहां पर, हमने बात की थी किसकी प्रेजेंस को बताया होता, इन्होंने अपनी प्रेजेंस को बताया होता, न्यूक्लियस की प्रेजेंस को बताया होता। 31 की बात करें हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है भैया, जल्दी बता दो मुझे। 36 नंबर, तो 36 नंबर पे आ जाओ यहां पर जल्दी से, 36 आ जाओ, 36 की बात करते हैं। 36 नंबर क्या है भैया यहां पर? 36 नंबर, हां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सभी को पता है, अगर हमने बात कर ली अभी थोड़ी देर पहले, इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हॉट बॉडीज, बिल्कुल सही बात है। हमने बात की थी नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड को थर्मल इंफ्रारेड भी बोलते हैं, जैसे कि तुम किसी गर्म चीज के पास जाते हो तुम्हारे हाथ में लगती है गर्मी, वो क्या होती है? इंफ्रारेड रेजी तो है जो हीट अप करवाते हैं, तो इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हॉट बॉडीज, तो हम आते हैं हॉट बॉडीज हमेशा इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, बिल्कुल हम बात करते हैं प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी लाइट का इंपॉर्टेंट सोर्स सन है, बिल्कुल सही बात है। अगर सन बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी एक सोर्स निकल के आता है, और यूवी रेज को भी यहां पर सन ही भेज रहा होता, तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो हम अगर 36 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर निकल के आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर, 37 की बात कर लो, यहां पर 37 नंबर भी बोल रहा है कि 37 नंबर बता दो भैया, तो 37 नंबर, Which of the following electromagnetic waves या rays has the minimum wavelength? अभी तो बताया था यार सर, वो electromagnetic spectrum, सर cosmic rays, gamma rays क्या होता है? इस साइड आता है, तो यहां पर हम आते हैं सबसे कम यहां पर क्या निकल के आता है? मिनिमम वेवलेंथ निकल के आता है, तो मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है? गामा रेज का। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं रेडियो वेव्स की तरफ तो वेवलेंथ बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी घटेगी, एनर्जी घट जाएगी, तो वही कंडीशन निकल के आई है। 37 नंबर का आंसर भी हमने यहाँ पर देख लिया है। चलो तो हम बात करते हैं 45 नंबर पे, चलो यार 45 पे चलो जल्दी से, 45 आ गए 45 पे क्या? बस बस सर बस, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वेक्टर ऑफ कोलिनियर, कोलिनियर कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में आने वाले, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में आने वाले, और हम जब एक ही लाइन में आने की बात करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर। तो यहां पर वेक्टर शुड बी पैरेलल टू द सेम लाइन, अब सेम लाइन में चाहे एक ही डायरेक्शन में हो वो भी कोलिनियर हो जाएंगे, और चाहे डिफरेंट डायरेक्शन में हो वो भी क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे, लेकिन क्या होने चाहिए?
एक ही डायरेक्शन, मतलब अगर x डायरेक्शन में एक है तो दूसरा भी x डायरेक्शन, एक y डायरेक्शन में है तो दूसरा भी y डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी उनको हम बात करते हैं वो क्या है, कोलिनियर कहे जा रहे होते हैं, कोलिनियर कहे जा रहे होते हैं। तो यहां पर हमारे जो है इस पार्ट के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं, जस्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो मैंने ये तुम्हें पहले ही बता दिया है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा, 51 नंबर आंसर था, तो 51 पे चलते हैं। यहां पर तीसरा पेपर भी हमने कंप्लीट कर लिया भैया, ठीक है। तो 51 देखो, ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा ए बी सर साइन थीटा निकल करके आएगा, और ये कितना आएगा ए बी कॉस थीटा निकल के आएगा। तो सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की बात कर ले, सर कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है सर टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू हमें बताना है, तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ कब होगा, जब ये दोनों कब बराबर होंगे, तब ए वैल्यू निकल के आ रही है किसके, वन के बराबर हो रही है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री निकल के आना चाहिए भैया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन नंबर टू जो है वो राइट आंसर हो गया है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें जो क्वेश्चंस देखे सर थ्योरी कहां से पढ़ना है, तो थ्योरी कहां से पढ़ना है, देखो थ्योरी पढ़ने के लिए तुम यहां पर जाना, और ये जो हमारा वीडियो चल रहा है ना, ये वीडियो इस वीडियो के नीचे देखो, तब सबसे पहले तो लाइक कर देना, यहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट है उतने तो लाइक होना चाहिए, अरे यार 54 वॉचिंग और यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कंडीशन निकल के आती है, ठीक है, तो ये कंडीशन निकल के आती है, तो यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी मोहित सर तुम्हारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और हाँ इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें यहीं रहना है, एक मिनट का ब्रेक लेना है, पानी पी लो जब तक तुम आराम से राहत की सांस ले लो, और मोहित सर यहां पर कंटिन्यू करने वाले हैं तुम्हारा यहां पर सेशन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मेरा बैच नहीं मिला, मिल जाएगा यार, यही तो मेरा बैच चल रहा है, ठीक है। तो हम कल फिर मिलेंगे 9 बजे बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चंस के साथ, खतरनाक तरीके से, और यहां पर आगे की बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू एवरीवन, मोहित सर यहीं आ रहे हैं, अपने एक मिनट में रेस्ट ले लो, सांस ले लो अपनी जल्दी से, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू। Hello everyone, good evening everybody, am I audible to each and everyone, is audibility absolutely fine, we are live now, this is Mohit here and welcome to the test book, guys, sabhi log mujhe dekh pa rahe hain, sun pa rahe hain, par confirmation denge,
सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन दो यार, इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन टू ईच एंड एवरीवन। तो गाइज आप लोग एक घंटे से बढ़िया तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हो, और इस बार भी गाइज फाइनली मैं भी आप लोगों के लिए आज वही पार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले गाइज आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि राइट नाउ वैभव सर ने आप लोगों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 2022 का प्रीवियस ईयर के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जिनको वैभव सर आप लोगों के लिए आगे चल के डील करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। तो जो वैभव सर आप लोगों को सब्जेक्ट्स डील करने वाले हैं, अभी तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी स्पेशलाइज्ड फॉर्म में देख रहे हैं, जैसा कि वैभव सर ने आप लोगों को मैकेनिक्स के क्वेश्चन बताए होंगे, वैभव सर ने आप लोगों को वेव्स के क्वेश्चन बताए होंगे, वैभव सर ने आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बताए होंगे। सिमिलर वे में गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर अपने वाले सब्जेक्ट्स को बताने वाला हूँ। जो सब्जेक्ट्स मैं डील करने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रोस्टेट्स, वो है मैग्नेटिज्म, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स एंड ऑल्सो वेव ऑप्टिक्स। गाइज तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ और मैं वादा करता हूँ बेटा, यकीन मानो मचा देंगे कंप्लीटली, एकदम बाजा बजा देंगे एटीसी के एक दिन पहले तक। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ टाइमिंग क्लास का याद रखना, रोज एटीसी की फिजिक्स के लिए हम लोग मिलने वाले हैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वैभव सर रहेंगे और उसी के आगे कंटिन्यूएशन में कोई अलग वीडियो नहीं रहेगी, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में मैं आपको मिलूंगा, मैं अपने सब्जेक्ट्स डील करूंगा, वैभव सर अपने सब्जेक्ट्स डील करेंगे, मतलब सॉरी सब्जेक्ट नहीं बोलना चाहिए, चैप्टर्स डील करेंगे और मैं फिजिक्स का अपना वाला पोर्शन डील करूंगा। राइट, तृप्ति कुमार नायक सर यूट्यूब पे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यस तृप्ति, इट इज नॉट फर्स्ट टाइम बेटा, है ना, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी बेटा पहले भी कर चुके हैं, तो कोई भी एग्जाम हो ऑलरेडी सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट की जाती हैं। शायद अगर मैं आपको बताऊं तो आज एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए मैं कम से कम 7वीं बार इस बार की एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए 7वीं बार क्लास के अंदर आया हूं, चाहे फिजिक्स की क्लास हो, तीन क्लासेस फिजिक्स की ले चुका हूं, उसके पहले और क्लासेस ले चुका हूं, ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी बता चुका हूं, कल फिजिक्स की स्ट्रेटेजी बताई थी, तो ये सारी चीजें कर ही रहे हैं हम लोग, है ना, और फुल्ली फ्लेश्ड में। और नॉट ओनली फिजिक्स गाइस, आपका फिजिक्स प्रॉपर कंप्लीट होगा, आपका मैथमेटिक्स प्रॉपर कंप्लीट होगा, आपका इंग्लिश, आपका एफटी, आपका रीजनिंग और आपका गाइस जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होंगी, आपको किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो सेशन को शेयर कर दो, मस्त तरीके से सेशन को लाइक कर दो, और जितने भी बच्चे राइट नाउ अभी क्लास देख रहे हैं, है ना, सभी बच्चे आई थिंक ये वाली क्लास देख रहे होंगे, कहां गई भाई क्लास हमारी, क्लास घूम जाती है मैं ढूंढने जाता हूं तो, अरे 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 क्लास कहां गई भाई। चलिए तो जितने भी बच्चे गाइज राइट नाउ अभी क्लास देख रहे होंगे, सबसे पहले सेशन को एक बार लाइक कर देंगे मस्त तरीके से, सेशन को एक बार मस्त तरीके से गाइज सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे सेशन को, और फिर अपन लोग आगे कंटिन्यूएशन में करते हैं। राइट नाउ 42 स्टूडेंट्स आर देयर, प्लीज कर जल्दी फटाफट 50 के ऊपर लाइक मारो यार, फटाफट जल्दी फास्ट ईच एंड एवरीवन। फिर आपको दिखाता हूं बेटा इलेक्ट्रिकल क्या जो फिजिक्स का पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फिजिक्स का पार्ट होता है, उसकी दुनिया में लेके चलता हूं, बड़े प्यार से आराम से करेंगे अपन लोग, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सेशन को शेयर कर देना भाई, सेशन को लाइक कर देना जल्दी से फटाफट फास्ट ईच एंड एवरीवन जल्दी। सर यूट्यूब में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, यस तृप्ति आई थिंक ये आप 2 से 3 बार पूछ चुके हो, सर यूट्यूब में दोनों पार्ट की क्लासेस होंगी, यस अंजलि दोनों पार्ट की क्लासेस होंगी बेटा। चलो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम भी बेटा हम लोगों ने यहाँ पे फिजिक्स की क्लास ली थी, आप चाहो तो देख सकते हो। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भी मुझसे पढ़ा था, उस टाइम भी एटीसी की क्लास ली थी इन जुलाई, और अभी हमारे कुछ बैचलर ऑफ साइंस जिसको बीएससी बोलते हैं, तो बीएससी के फिजिक्स के बच्चे हैं गाइस, है ना, उन लोगों की भी मैं पिछले 1 महीने से एसएससी आईएमडी की क्लासेस ले रहा हूं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी चीजें फुल्ली फ्लैश होंगी, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर मार दो यार जल्दी से, देन वी विल स्टार्ट। तो अपन एक बेहतरीन एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, जल्दी 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 फटाफट फास्ट जल्दी। चलिए तो गाइज एक एक क्वेश्चन को अपन लोग एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को अपन लोग डिटेल में देखने वाले हैं और बढ़िया तरीके से सारी चीजों को एंजॉय करने वाले हैं। राइट, चलिए चलिए आई थिंक हमारे सारे बच्चे आ चुके हैं, चलो भाई स्टार्ट करें। सर थ्योरी कहां से पढ़ना है? तृप्ति देखिए हमारी जो क्लासेस यूट्यूब पे चलेंगी वो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों चलेंगी, और आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, वो सारी चीजें मैं क्लास के एंडिंग में आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लास के एंडिंग में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। राइट, चलिए सो अब अपन लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ एटीसी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। राइट, एटीसी के प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक पे सर्च करोगे एटीसी प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग एटीसी का प्रीवियस ईयर पेपर की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको सारे सालों के जितने भी पिछले पेपर हुए हैं सारे आपको मिल जाएंगे।
चलिए आ जाइए। तो गाइज यहाँ पर अपन लोग देखते हैं बढ़िया तरीके से और मस्त तरीके से एंजॉय करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे बेटा कि यहाँ पर वेबसाइट पे आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है 2022 के, जो कि अभी हुआ था, और 2021 के पेपर भी अवेलेबल है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज सारे बच्चे इन सारे पेपर्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। इनको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, ताकि आप हमेशा इनको देखते रहो और इनसे आपको आइडिया लगता रहे कि पेपर एक्चुअली में आता कैसा है। ठीक है, चलिए सर प्लीज रिप्लाई मी, मैं आज ही सब्सक्रिप्शन लिया टेक्स्ट बुक पर, बट आप में बैच नहीं मिल रहा है। एक्स वाई चिंता मत करो बेटा, वहां पे हमारी लाइव क्लासेस आ जाएंगी, बिल्कुल भी लोड मत लो। और जिस तरीके से पढ़ाई करनी है वो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, है ना, आप लोड मत लो। मेरी सारी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी मिलेंगी। ठीक है, चलिए इधर आइए। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, सबसे पहला 2022 का पेपर उठाते हैं 27 जुलाई का, और इस पेपर को मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं देखता हूँ उस पेपर को, ये मेरा पेपर आ चुका है फाइनली, और जब इस पेपर को मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, और इस पेपर के अंदर हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं जिन पार्ट को मैं डील करने वाला हूँ आपके साथ, तो इन सारे क्वेश्चंस को अपन लोग देखते हैं, राइट। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देखोगे गाइस, सबसे पहले तो ये पेपर आपके सामने आ चुका है, स्टार्टिंग का पोर्शन इसका नॉन टेक्निकल का पार्ट आता है, और आप लोग देखोगे थोड़ा सा आपको ब्लर सा दिख रहा होगा, क्योंकि बेटा ये एक ऑथेंटिक रिस्पॉन्स शीट है स्टूडेंट की, और अगर ये ऑथेंटिक रिस्पॉन्स शीट है, एक्स वाई चिंता मत कर, तेरे सारे रिप्लाई में क्लियर कर दूंगा, तेरे सारे रिप्लाई बेटा मैं क्लियर कर दूंगा, मत लोड ले, ठीक है, चलिए, है ना, तेरे सारे रिप्लाई में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए गाइज अपन लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आज, तो हमको किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं स्क्रॉल अप कर देता हूं, ठीक है। और बेटा एक चीज इंश्योर करना कि वैभव सर क्या लेने वाले हैं और मैं क्या लेने वाला हूं, है ना, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। मैं बार बार 2-3 दिन तक लगातार आपको क्लासेस के अंदर बताता रहूंगा, उसकी आप चिंता ना करें, ठीक है। चलिए चलिए फाइनली हमारा पेपर में क्वेश्चन आने वाला है, और मैं आपको ये भी बता देता हूं बेटा, लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर जो पार्ट आया हुआ था आपके फिजिक्स के पेपर में वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का ही आया हुआ था, ठीक है। तो एक बार लास्ट और बोलूंगा, सभी बच्चे एक बार दिल से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना यार, दिल से सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना फटाफट फास्ट। मनीष सर हाइट कितनी होनी चाहिए, भाई ऐसा कुछ भी नहीं, एयर आपको प्लेन नहीं उड़ाना, ना ही आपको पायलट बनना है, और ना ही आपको PABT यानी कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट क्लियर करना है। आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी में सिर्फ एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, आप कितने भी बड़े हो हाइट में दैट डजंट मैटर, ठीक है। चलिए तो अपन स्टार्ट कर देते हैं फाइनली, भाई अब अपना पेपर आ चुका है अपने पास, यहाँ पे देखेंगे गाइस सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का मेरे सामने आता है। ये क्वेश्चन को आप जरा देखना, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है और ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, आपको बोला जा रहा है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं, हो सकता है आपको थोड़ी विजिबिलिटी कम हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर दिस, इफ दे आर करंट सेकेंडरी इज दिस। आपको बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में, ये हमारी बेटा ट्रांसफॉर्मर होता है, इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और इसकी ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न होते हैं N1, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न होते हैं N2। बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है, और इनके बारे में आपको बोला गया है कि N1 की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा 800 और N2 की वैल्यू दी हुई है आपको 2400। ओके सर, अब आपको यह बोला गया है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट है वो आपका 6 एम्पियर है, और आपको बोला जा रहा है कि आपको प्राइमरी वाइंडिंग का करंट निकालना है। कुल मिलाकर के आपको 4 चीजों में से 3 चीजें दी हुई है, क्लियर। आपको एक्स वाई, आराम से रुक जा बेटा, आराम से रुक जा, थोड़ा सबर तो रख, मैं बैठा हुआ हूं यार, मैं कहीं जा रहा हूं क्या, ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूं क्या, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं यार, टेक्स्ट बुक मतलब कौन, मैं बैठा हूं ना यहां पे, बस लोड मत ले तू, ठीक है, चला जा इधर। तो बेटा यहां पे देखेंगे ये I1 है और ये N1 है, ये I2 है और ये N2 है। अब यहां पे देखेंगे आप सभी बच्चे बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, 24,000 दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो आज से मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, इधर देखेंगे, प्राइमरी साइड एक तो करंट होता है, एक नंबर ऑफ टर्न्स होता है और एक पोटेंशियल होता है वोल्टेज। सेकेंडरी टाइप नंबर ऑफ टर्न्स होता है, करंट होता है और एक होता है पोटेंशियल। तो बेटा इस पिछले बार इन्होंने करंट के बारे में पूछा था, हो सकता है इस बार वोल्टेज के बारे में पूछ ले। तो हमेशा याद रखना एक रिलेशन बहुत प्यारा होता है, और वो रिलेशन होता है ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न, और सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट अपॉन प्राइमरी वाइंडिंग का करंट। इस रिलेशन को हमेशा के लिए याद रख लेना, प्राइमरी का वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी का वोल्टेज इक्वल टू प्राइमरी के टर्न अपॉन सेकेंडरी के टर्न इक्वल टू सेकेंडरी का करंट अपॉन प्राइमरी का करंट। तो करंट में उल्टा हो जाता है। तो आज आपको N1 दिया हुआ है 800,
N2DI 24,000, तो 800 डिवाइडेड बाय बेटा 24,000 करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 8 1/30 है ना, तो 1/30 आ जाएगा। सेकेंडरी का करंट आपको दिया है 6 और प्राइमरी का करंट आपको निकालना है, तो 30 × 6 कर दोगे तो 180 आ जाएगा। योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 180। क्लैरिटी है क्या? यस सर, आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 180 इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। परफेक्ट करंट आंसर गिवन क्वेश्चन। एक नंबर का लल्लू क्वेश्चन था पेपर का, उड़ा दिया। यस सर, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? केवल ये वाला। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आप लोगों के लिए यहां पर थ्योरी क्लासेस के अंदर लूंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, एक लाइन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए और देखते हैं बेटा और किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं जिन सब्जेक्ट्स को मैं डील करूंगा उनसे रिलेटेड, राइट। चलिए सर, ओके सर, करते हैं सर। ये देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सवाल है गाइस, यहाँ पर इस तरीके का सवाल है, इसको अपन लोग लेते हैं यहाँ पे, है ना, इस तरीके का सवाल है, इसको अपन लोग लेते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। बेटा बोल रहा है दो कॉइल हैं ए और बी जिनको पैरेलली रखा है ईच अदर। अरे वाह वाह, पैरेलली रखा है तो दो कॉइल बना ली। हिंदी में कॉइल को बोलते हैं, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो हिंदी में बोलते हैं कुंडली। क्या बोलते हैं? कुंडली। कॉइल का मतलब होता है बेसिकली एक वायर को इस तरीके से घुमाओ दार कर दें, जो एक नॉर्मल कॉपर का तार होता है ना उसको गोल 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 घुमा दो, इसी को कॉइल बोला जाता है। तो दो कॉइल इनको पैरेलली रखा हुआ है, बोलता है करंट इन द कॉइल बी इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ दिस। तो कॉइल बी के अंदर जो करंट है, मतलब कॉइल बी के अंदर जो करंट है मतलब di2/dt, ये किस रेट से बढ़ रहा है बेटा? ये बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है मैं आपको दिखा देता हूं। di2/dt ये किस रेट से बढ़ रहा है? 20 एम्पियर पर सेकंड के रेट से बढ़ रहा है। और इनिशियल करंट जो है कॉइल ए के अंदर, तो कॉइल ए के अंदर इनिशियल करंट 0 है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज 100 वोल्ट। इसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड है बेटा? ईएमएफ की बात करें तो 100 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड है। अब आपको बोल रहा है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा दोनों कॉइल का। कुल मिलाकर के बेटा आपसे इंडक्टेंस पूछा है। क्या पूछा है मेरे लाल? आपसे इंडक्टेंस पूछा है। बचपन में आपने फैराडे साहब का एक नियम पढ़ा होगा, माइकल फैराडे साहब ने एक नियम दिया था 1844 में। कब दिया था बेटा? 1844 में। उन्होंने यह बोला था कि जब भी कोई कंडक्टर चालक यानी कि तांबे का टुकड़ा, जब भी इसके अंदर कोई चुंबकीय प्रवाह यानी कि जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें लिंक करता है तो इसमें एक वोल्टेज यानी कि एक विभव यानी कि एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, और वो ईएमएफ जो होता है वो होता है E=LdI/dt। क्या होता है बेटा? E=LdI/dt। सिंपल सा फॉर्मूला है। ये ईएमएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है आज? 100 दी हुई है। ये डीआई बाई डी टी कितना दिया हुआ है आज? 20 एम्पियर पर सेकंड दिया है। और ये एल पूछा है, अरे रे 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 रे, निकल गया रे, निकल गया कितना? 100 डिवाइडेड बाई 20 करने का 5 आता है क्या? यस सर 5 आता है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 5 हेनरी इज द करेक्ट आंसर। मैं फिर बोलता हूं दो क्वेश्चन करवाएं, दोनों लल्लू क्वेश्चन थे, सिंपल सिंपल फॉर्मूले के ऊपर। ये देख लो, ये वैल्यू है आपके फिजिक्स की। समझ में आ रहा है क्या? ये वैल्यू है आपके फिजिक्स की। काफी सारे बच्चे मुझसे इनिशियली पूछते हैं सर ये एटीसी का कट ऑफ इतना हाई क्यों जाता है? भैया एटीसी का कट ऑफ इसलिए हाई जाता है क्योंकि इस लल्लू लेवल के क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। सर हम कर क्यों नहीं पाते? आप इसलिए नहीं कर पाते बेटा क्योंकि आपको वो एक प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता जिस कंटेंट की एक्चुअल में आपको जरूरत होती है। एक्चुअल में आपको कहां पे अटैक करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। एटीसी का पेपर 11वीं 12वीं की फिजिक्स से ज्यादा ध्यान रखता है कि उसने एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को लिया है, वो ध्यान रखता है कि उसका जो दिमाग होना चाहिए वो इंजीनियरिंग वाला होना चाहिए, उसका दिमाग होना चाहिए बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स वाला, इसीलिए ये लल्लू क्वेश्चन आपके साथ दिक्कत क्रिएट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट अपन सब कुछ कर लेंगे भाई, चिंता मत करो, अपन सब कुछ करेंगे भाई, चिंता मत करो। और क्या क्वेश्चन आया है भाई? और बताओ भैया, और बताओ, और बताओ। ये तो मैथमेटिक्स है, सब मिक्स होके आती है ना, इसलिए अपन को थोड़ा ऐसा लगता है। लेकिन अपन ने ये सोचा कि भाई सारे बच्चों को ऑफिशियल पेपर लेके जाएंगे, तो ऑफिशियल पेपर लेने से क्या होता है? दिक्कत नहीं होती है ना, बच्चों को भी लगता है कि हाँ क्या ना पागल नहीं बना रहे मास्टर जी, वाकई में वही वाला करवा रहे क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है। नहीं तो बहुत बार बच्चे बोलते हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर था ही नहीं, और सेशन को लाइक मारता रहेगा एक एक बच्चा फास्ट। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं क्या करा था कि क्वेश्चंस को मैं टाइप करके लेके आया था बहुत बार पीपीटी फॉर्म में, जो नॉर्मल हर क्लास में करता हूं मैं। तो एक बच्चा बोलता सर ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं। मैंने बोला कैसे? तो मेरे को भेजता बोलता ये वाला प्रीवियस ईयर पेपर है। मैंने बोला तू बता ये कैसे? बोला मैंने एक वीडियो में देखा था। क्या बोलूं अब मैं? तो इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं भैया। चलो ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है बेटा सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, ठीक है। बहुत ही आसान आया था पेपर के अंदर। यहाँ पे आप लोग देखोगे बोला जा रहा है जब एक सिलिकॉन की हम डोपिंग करते हैं, पता नहीं किसके साथ डोपिंग करता है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। सर क्या आप हमें इसकी पूरी थ्योरी पढ़ा दोगे? बिल्कुल पढ़ा दूंगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मार्केट के अंदर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं।
तो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर अगर हमारे पास कोई अवेलेबल है तो वो पहला सेमीकंडक्टर है हमारे पास जर्मेनियम और दूसरा सेमीकंडक्टर है हमारे पास सिलिकॉन। हमारे पास बेटा दो ही प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, एक जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। इस प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। बट हमारे रिसर्चरों ने, जो हमारे फिजिसिस्ट थे, उन्होंने देखा कि सेमीकंडक्टर जो होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसकी कंडक्टिविटी मतलब हिंदी में होता है चालकता, काफी कम होती है। और जब इसकी कंडक्टिविटी काफी कम होती है तो उन्होंने सोचा इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए। फिर सोचा बढ़ाएंगे कैसे, तो उन्होंने सोचा कि इसको बढ़ाने के लिए बेटा क्या करते हैं, इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड की जाती है। इंप्योरिटी ऐड मतलब कुल मिलाकर के किसी चीज की मिलावट की बात करी जाती है, ठीक है, है ना, किसी तरीके से, है ना। अभी सब बता दूंगा, क्लास के एंड तक वेट करो बेटा। देखो क्या होता है जिंदगी में, एक चीज का ध्यान रखना बहुत अच्छे से, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, हमेशा ध्यान रखना। जिंदगी में हमेशा सबसे पहले चीजों को सुनने की आदत डालो, बिकॉज इंसान का ब्रेन तभी सबसे ज्यादा अच्छा वर्क करता है जब वो चीजों को ज्यादा सुनता है और रिएक्ट कम करता है। आप लोग ने देखा होगा हमेशा, है ना, हमेशा जो लोग होते हैं वो चीजों को सुनने की ज्यादा कोशिश करते हैं। आपके पेरेंट्स होते होंगे, वो आपको बोलते होंगे सोच समझ के बोला करो। इसका वर्ड ही होता है कि बेटा आराम से पहले चीजों को सुनो। अभी अपनी क्लास 11 बजे तक चलेगी, तो मैं 11 बजे तक अंदाजा लग जाएगा कि तुमको एक्चुअली में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आराम से पहले क्लास को एंजॉय करो, आराम से क्लास को पढ़ो। तुमको इसके बाद मैं ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे तुमको पता चलेगा कि भाई हमें क्या करना है। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं यहाँ पर फिजिक्स की क्लास ले रहा हूं, ना ही मेरा मेन मोटिव ये है कि यहाँ पर मैं थ्योरी क्लास लूंगा, ना ही मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं यहाँ पर आपको पीवाईटी करवा रहा हूं। मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर मैंने किसी बच्चे को फिजिक्स पूरी पढ़ा दी और उसके फिजिक्स में 30 में से 30 भी नंबर आ गए और अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे दुख होगा। क्यों क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? किसी और सब्जेक्ट की वजह से। तो मेरा मेन मोटिव बेटा सिंपल सा इतना है कि मैं, मुझे आपके सिलेक्शन से मतलब है। अगर आपका कोई भी पार्ट वीक होगा तो मुझे दर्द होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब इतनी मेहनत करी तब आप जाके सिलेक्शन आपका नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपको जो जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरीके से आपको सारी चीजों को कवर अप करना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे, राइट। बस इतनी सी बात है। अब आप लोग क्लास के एंड तक देखते जाओ, सुनते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो बेटा एक प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर, जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर, जब हम इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, इस इंप्योरिटी को ऐड करने की प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। इस इंप्योरिटी को ऐड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। जब हम इसमें डोपिंग करते हैं तो ये डोपिंग दो प्रकार की होती है। या तो हम इसके अंदर क्या करते हैं बेटा? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। और या तो हम लोग इसके अंदर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। आप बोलोगे सड़े से क्वेश्चन का इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? इस सड़े से क्वेश्चन का इतना एक्सप्लेनेशन देने का मतलब यह है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इससे पांच क्वेश्चन निकल के आएंगे। कितने? पांच। इस बार ये आया है, अगली बार उन पांच में से एक आएगा, ये मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन है। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है सर। अब ये साला पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी क्या होती है? तो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्स जिनके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइवेलेंट। क्या बोलते हैं? ट्राइवेलेंट। यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। हमारे पीरियोडिक टेबल में जिन एलिमेंट के लास्ट शेल में पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं पेंटावेलेंट। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये सारी चीजें मेरी क्लास में ऐसे टिप्स पे याद होंगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, उसकी तुम चिंता मत करो, ठीक है। पेंटावेलेंट हो गया। सर ये सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? इनको बोलते हैं टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब इनके लास्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर इनके अलावा भी कोई और है? यस, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन और लेड इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जब मिलाते हो तो सेमीकंडक्टर बनता है एन टाइप का। कौन सा बनता है बेटा? एन टाइप का। और पेंटावेलेंट मिलाते हो तो तब सेमीकंडक्टर बनता है कौन से टाइप का? पी टाइप का। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है जब आप पेंटावेलेंट मिलाते हो। अब यहां से देखो पांच क्वेश्चन बने। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने, सिलिकॉन की डोपिंग करते हो तो एन टाइप कब बनता है? यही सवाल है। एन टाइप बनता है जब पेंटावेलेंट मिलाते हैं। पेंटावेलेंट में कौन आता है बेटा? पेंटावेलेंट में आता है फॉस्फोरस। कौन सा आता है आपका? फॉस्फोरस। अगर ये बोलता पी टाइप में बनता तो पी टाइप में आप क्या मिलाते? या तो बोरॉन, या तो एल्यूमिनियम, या तो इंडियम। दो क्वेश्चन हो गए, यस सर। तीसरा, इंप्योरिटी मिलाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। चौथा, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। चार क्वेश्चन हो गए। पांचवा, ठीक है, आपकी एन टाइप बनाने के साथ क्या क्या बढ़ जाता है? तो जीवन में किसी चीज को जब मिलाओगे तो कुछ बढ़ जाएगा।
तो बेटा जब एंड ये ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं तो होल्स बढ़ जाते हैं, क्या बढ़ जाते हैं, होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और जब पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो क्या बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये पांचवा और छठा क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अब साला तुम्हारे पेपर में एक भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स का क्वेश्चन आया, केवल इतना स्ट्रक्चर याद रहेगा, तुमसे सवाल बनेगा। समझ में आया क्या, एनर्जी निकलनी चाहिए यहां से एकदम। यस सर, सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे, इस बार लिखेंगे सभी बच्चे चैट बॉक्स में #ATCWIN, जल्दी से फटाफट चैट बॉक्स में लिखेंगे। ये एनर्जी आपके अंदर दिखनी चाहिए, ये एनर्जी आपके अंदर दिखनी चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, ये एनर्जी आपकी रात में कभी भी दिखनी चाहिए, किसी भी टाइम में रात में आपकी क्लासेस एक एक दो दो बजे तक भी लिया करूंगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सभी बच्चे हैशटैग लगा के ATCWIN फास्ट। कार्बन प्योर सेमीकंडक्टर है? नो कन्हैया, कार्बन इज नॉट द प्योर सेमीकंडक्टर बेटा, बिकॉज कार्बन वो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर पाता जो बेसिकली सिलिकॉन जर्मेनियम कर पाता है। कार्बन के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी टर्म होती है जिसमें कार्बन करता क्या है, जैसे उसको कोई दूसरा कार्बन मिलता है तुरंत चेन रिएक्शन बनाने लगता है, और जब वो चेन रिएक्शन बनाने लगता है तो इसलिए हम उसको सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में नहीं डालते। क्लैरिटी है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, एसएस क्लासेस कोई दिक्कत नहीं बेटा, हाइट का इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये सेशन भाई हमने ये क्वेश्चन हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स का करा, और सेशन को एक बार सभी बच्चे लाइक करते रहेंगे। यार लाइक अभी भी कम दिख रहा है मुझे, ट्राइवेलेंट इज पी टाइप, लाइक अभी भी कम दिख रहा है, एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलो भाई, और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? चलिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये काय का क्वेश्चन है, चलो इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, और दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताते हैं भाई बच्चों के लिए, एकदम मजा आ जाए बच्चों को, एकदम मजा आ जाए बच्चों को। चलिए ये क्वेश्चन सर ने ले लिया होगा आई थिंक, है ना, ये भी क्वेश्चन सर ने ले लिया होगा आई थिंक। ठीक है, कंसीडर दिस 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 दिस, ये मैथमेटिक्स आ गया, ये आया, ये क्वेश्चन आया भाई। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या आया आपके सामने, एक मिनट, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन क्या आया, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है गाइस। ये किसका है? ट्राइवेलेंट एन टाइप रिपीट सर। राहुल कुमार, ट्राइवेलेंट का मतलब होता है बेटा एक ऐसा, देख करके दिखा देता हूं, चलो तुमको साला डिटेल चाहिए, ये लो देख, तेरा ट्राइवेलेंट जो होता है वो होता है बोरॉन। कौन होता है बेटा तेरा ट्राइवेलेंट? तेरा ट्राइवेलेंट होता है बोरॉन। कौन होता है? बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। एटॉमिक नंबर बोल बोरॉन का 5। एटॉमिक नंबर बोल बोरॉन का कितना? 5। अब इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अपने को कितने भरने हैं? 5। तो तीसरा कौन सा होता है? 2p। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1। क्लियर होता है क्या? यस सर। अब देख लास्ट शेल कौन सा दिख रहा है, लास्ट शेल को देखने के लिए देखना पड़ता है नंबर। नंबर कौन सा है? 2। 1 के बाद कौन सा नंबर है? 2। ये लास्ट शेल, देख कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। तो बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम में कितने में भी सबके लास्ट शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए कितने रूल लगते हैं? 3। पहला होता है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, दूसरा होता है हुंड्स रूल, तीसरा होता है ऑफबव रूल। अब इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो पागल हो जाओगे रात भर में। चलो आ जाए भैया, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ये देखिए बना दिया भैया स्ट्रेट कंडक्टर, जिसके अंदर से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। 5 एम्पियर का, अरे भैया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है 20। कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है? इस पॉइंट पी पर। ये पॉइंट कितनी दूर रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। ये पॉइंट कितनी मीटर दूर रखा है? 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो बेटा ये पॉइंट हमारा 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो 5 एम्पियर के द्वारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट कितनी होगी? तो बेटा एक फॉर्मूला सिंपल सा लगता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, कोई बच्चा बता सकता है क्या यहाँ पे? जल्दी बोलो, कोई भी बच्चा बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एक फॉर्मूला कितना लगेगा एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के द्वारा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। सर ये सबसे पहले किसने बताया था कि एक कंडक्टर के द्वारा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है? तो ये सबसे पहले बनाया था बेटा 1820 में, किसने? हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड साहब ने। उन्होंने सबसे पहली बार में बोला था कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो आज यही मैग्नेटिक फील्ड आपको इस पॉइंट पे निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा? जल्दी बोलो, क्या फॉर्मूला लगाओगे? जल्दी बोलो, क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा यहां पे? जल्दी बोलो। तो यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको क्या? μ0I अपॉन 2 इंटू ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस काय में लेना पड़ेगा? मीटर के अंदर। जब ये तरीके का फॉर्मूला लगाओगे तो यहां से आंसर निकल के आ जाएगा बेटा कितना? 5 माइक्रो टेस्ला।
कितना निकल के आ जाएगा 5 माइक्रो टेस्ला। तो यहां पर ये पाई भी आएगा, सॉरी है ना, तो पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं आज से याद रख लेना। तो बी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर 2 पाई से ऊपर म्यू नॉट, अच्छा पूरा सॉल्व करके दिखाओ सर, तभी तो मानेंगे आपकी बात को। चलो भैया सॉल्व कर देते हैं बच्चों के लिए, कहां कर दें, यहां कर दें। चलो तो ऊपर देखो कितना है, 4π × 10⁻⁷ μ0 × I, I कितना है 5 एम्पियर, डिवाइडेड बाय कितना करना है 2π, और लेंथ कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। अरे वाह 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 सर, अब 2π से लेकर के ये 2π कैंसिल, 5 दूनी कितना होता है 10, 10 के बाद ये कितना हो जाएगा 5, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5 माइक्रो टेस्ला। तो आज से ये फॉर्मूला भी याद रख लेंगे। इससे हमको ये समझ में आया कि सर आप हमको क्या पढ़ाने वाले हो फिजिक्स में, ATC के इस प्रीवियस ईयर के पेपर, इस क्वेश्चन से देख के हमको ये समझ में आया, क्लियर। इससे हमको ये समझ में आया कि सर हमारे एग्जाम में बताऊं क्या आएगा, इस बार पूछा है लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, हो सकता है ये पूछता इंटेंसिटी कितनी होगी, हो सकता है ये पूछता रिंग है, अगर मान लो एक रिंग है, रिंग मतलब समझो ना अंगूठी, अंगूठी में करंट फ्लो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, या मान लीजिए एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सोलेनोइड में कितनी होगी, टोरॉइड में कितनी होगी। ऐसे करते करते टोटल 7 एग्जाम्पल है, 7ों पढ़ा दूंगा, साला एक एक क्वेश्चन यहीं से ऐसा कैसे बनेगा, समझ में आया क्या, ठीक है याद कर। चलिए बहुत बढ़िया, क्लास भी कराओगे क्वेश्चन के बाद, क्लास ही तो चल रही है, ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा आज की क्लास हमारा जो मेन मोटिव वो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें आपसे बनती है कि नहीं बनती है। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारे पास वापस आ गया, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया कौन सी बात एक पीएन जंक्शन डायोड के अकॉर्डिंग सही है या गलत है, कौन सी बात। चलिए भैया तो बात लिख देते हैं पहले, तो कौन सी बात, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो बेटा ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, सबको दिख रहा है, हाँ सर ये पीएन जंक्शन डायोड है। सर एक बार 7ों का नाम रिपीट कर दीजिए, अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी दोनों, और दोनों के बीच में रिलेशन केवल इतना ही होता है बी इक्वल टू म्यू एच होता है। तो कभी कभी क्या होता है आपसे एच पूछता है, तो बी के फॉर्मूले में म्यू डिवाइड कर दो, कभी कभी एच दिया रहता है, बी निकालना होता है तो म्यू मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो याद रखना हर केस के दो दो पॉइंट, पहला होता है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है उसके दो पॉइंट हो गए ये दोनों, ठीक है। दूसरा होता है इनफाइनाइट लॉन्ग, अभी लॉन्ग बोला था मतलब उसकी कुछ लेंथ होगी, एक होता है इनफाइनाइट लॉन्ग, दो क्वेश्चन हो गए, हाँ सर। तीसरा एक रिंग के द्वारा, रिंग के द्वारा उसकी एक्सिस पे और उसके सेंटर पे। चौथा होता है सोलोनॉइड, सोलोनॉइड मतलब होता है इस तरीके का, ठीक है ये हो गया सोलोनॉइड। फिर एक होता है टोरॉइड, 5 हो गए, ओके सर। छठा होता है आपका बेसिकली डिस्क पे, डिस्क मतलब जो अंदर से भरा हुआ है ओवल शेप में, ठीक है डिस्क पे होता है छठा वाला। और सातवां वाला होता है बेटा दो रिंग को एक साथ ऐसे रख देंगे, दो सर्कुलर रिंग को एक साथ ऐसे रख देंगे या रेक्टेंगुलर शेप में कुछ रख देंगे, दैट इज द 7th केस, ठीक है। हाँ नीलूफर बिल्कुल पढ़ा देंगे बेटा, क्यों लोड लेते होता। चलो तो यहाँ पे देखेंगे कि बेटा एक पीएन जंक्शन डायोड है, अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है जरा सुनना। क्वेश्चन बोल रहा है इसके बारे में आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला बोल रहा है फॉरवर्ड बायस के दौरान, सर हमारे बच्चों को बताओ फॉरवर्ड बायस क्या होता है। फॉरवर्ड बायस मतलब होता है इसके ऊपर इस तरीके से बैटरी लगा दो, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन घटने लगती है और बैरियर की हाइट रिड्यूस होने लगती है। यानी कि बेटा ये हमारा पीएन जंक्शन है और इस पीएन जंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बेटा एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होती है। तो जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हो, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हो, तो आपकी डिप्लीशन विड्थ क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अब डिप्लीशन विड्थ कम होने लगती है तो सही बात है, इसका मतलब यह भी होता होगा साला कि रिवर्स बायस में लगाओगे तो बढ़ने लगेगी, हाँ सर। तो जब ड्यूरिंग रिवर्स बायस करोगे तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ने लगेगी, तो बात तो सही है, दोनों के दोनों ही सही लिखे हैं। अगर पहला सही है तो दूसरा भी सही है, और पहला गलत है तो दूसरा भी गलत है, दोनों ही सही है भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, मचा दिए सर आप तो, 3 क्वेश्चन निपटा दिए मजाक मजाक में 5 मिनट के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो ना सर, और आजा भैया अच्छा वाला क्वेश्चन आ जाना, कोई सा कोई अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन ना, बच्चों को मजा भी आए। मजे वाला क्वेश्चन का ही नहीं आ रहा रे, मजे वाला क्वेश्चन का ही नहीं आ रहा है। आजा 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 जल्दी आजा जल्दी आजा जल्दी आजा जल्दी आजा जल्दी आजा। ये मैथमेटिक्स आ गई, ये मैथमेटिक्स आ गई, हाँ भाई ये अच्छा आ गया, ये आ गया बेटा क्वेश्चन तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स का। किसका क्वेश्चन आ गया, वेव ऑप्टिक्स का। मैं वेव ऑप्टिक्स भी लूंगा, वेव ऑप्टिक्स के सिलेबस में आपको पढ़ाना पड़ता है डिफ्रेक्शन क्या होता है,
है ना, इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सब फेवरेट टॉपिक है किसके, आपके एटीसी के। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है काफी बच्चों ने वेव ऑप्टिक्स काफी टाइम से नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन ही होगा, देखते हैं। बोला है सपोज टू ऑप्टेन डिफ्रेक्शन पैटर्न वन स्टूडेंट यूजेस वॉयलेट कलर बीम ऑफ लाइट इफ द स्टूडेंट रिप्लेसेस वॉयलेट करंट बाय ग्रीन लाइट। तो बेटा एक डिफ्रेक्शन करने के लिए एक स्टूडेंट जो है एक डिफरेंस एक मतलब क्या करने के लिए, हाँ एक्सएलसी सर्किट वाले क्वेश्चन होगा या समन भाई करवाता हूं, वो भी करवाता हूं, आने तो दे। चलिए तो बेटा याद रखना, अगर एक स्टूडेंट को डिफ्रेक्शन चाहिए और डिफ्रेक्शन के लिए वो वॉयलेट की जगह ग्रीन लाइट यूज कर लेता है, तो आप सभी को पता है बेटा हमारे जो सातों कलर होते हैं दैट इज कॉल्ड विब ग्योर, इन सातों कलर की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है वॉयलेट और ये होता है ग्रीन, तो डेफिनेटली हमारी वेवलेंथ क्या होने लग जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में हमारा जो डिफ्रेक्शन पैटर्न होता है वो कैसा होने लगता है, थोड़ा ब्रॉड होने लगता है, फैलने लगता है। तो जैसे जैसे बेटा हम लोग वॉयलेट की जगह इस रेंज में जाने लगेंगे, मतलब अगर आप वॉयलेट की जगह इंडिगो यूज करोगे या ब्लू या ग्रीन या येलो या ऑरेंज या रेड, तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है हमारा डिफ्रेक्शन का पैटर्न क्या होने लगता है, ब्रॉड होने लगता है, मतलब फैलने लगता है, ठीक है। तो भाई क्या देखते हैं, नो डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व, नहीं भाई कोई भी कलर हो सातों के सातों डिफ्रेक्शन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डिफ्रेक्शन पैटर्न रिमेन सेम नहीं, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो ये भी नहीं मिलेगा, डिफ्रेक्शन फ्रिंजेस बिकम नैरोवर, नहीं नैरो तो कभी नहीं होती, मैंने क्या बताया था ब्रॉड हो जाती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्रेक्शन पैटर्न कहीं लिखा है कि ब्रॉडर, द करेक्ट आंसर इज ब्रॉडर, तो डिफ्रेक्शन पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, है ना, ब्रॉडर हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ब्रॉड देखने को मिलता है रेड के अंदर और सबसे कम देखने को मिलता है आपको वॉयलेट के अंदर। दो कोड़ी का सवाल है, लात मार देना फुटबॉल की तरह पेपर के अंदर, समझ में आ रहा है, यस सर। और सेशन को गाइस सभी बच्चे एक बार दिल से लाइक करते रहेंगे, है ना, एक बार दिल से सभी बच्चे सेशन को लाइक करते रहेंगे। चलिए चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत प्यारा सिंपल सा सवाल है, बहुत प्यारा सिंपल सा सवाल है, शायद आपको दिखने में दिक्कत होगी, मैं पढ़ के सुना देता हूं, ठीक है। चलिए एक बैटरी है, अच्छा, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, अच्छा, जिसका ईएमएफ 4 वोल्ट है, अच्छा, उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस है, अच्छा, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज 3.8 हो जाता है, अच्छा, तो करंट कितना होगा, दो कोड़ी का सवाल है, लात मार दो फुटबॉल की तरह, कैसे मारेंगे लात, जरा देखो फुटबॉल की तरह लात कैसे मारेंगे, देखो एक बोल रहा है बैटरी है, बना दी भैया बैटरी, और क्या बना दिया, एक रेजिस्टेंस बना दिया इस बैटरी और इस इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, बैटरी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बोलता है 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 ओम, इसके बाद ये बोलता है कि अगर हम यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस लगाएं, तो लोड रेजिस्टेंस दूसरे पेन से बना दो मास्टर जी, ये बना दिया भैया, तो ये दूसरे पेन से लोड रेजिस्टेंस बना दिया, ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है, ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये एक चीज बोलता है कि अगर यहां पे 4 वोल्ट है तो ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद वोल्टेज कम हो जाता है, रेजिस्टेंस के पास कितना हो जाता है, मात्र हो जाता है 3.8 वोल्ट। अरे बाप रे, इसको बेचारे को हमने 4 वोल्ट दिया था और इसने यहां पे कितना पहुंचाया, 3.8, मतलब 0.2 कौन खा गया, ये गधा खा गया, कितना 0.2। अब इस रेजिस्टेंस को उड़ा के बाहर लेके आ जाओ, तो ये रेजिस्टेंस को जब उड़ा के बाहर लेके आ गया तो ये रेजिस्टेंस 0.2 नाम का वोल्टेज खा गया, हाँ सर, तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, तो ओम संकल जी ने बोला था, याद करो, नमस्ते ओम संकल जी, हाँ मैं एकदम ठीक हूं, आप कैसे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हमको ये बता दीजिए, आज हमारे बच्चों को कठिनाई आ गई है कि ये 2 ओम का रजिस्टर है और ये 0.2 वोल्ट है, तो इसमें करंट कितना होना चाहिए, अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया, V इक्वल टू आई आर, हाँ याद आ गया बच्चों को सर, V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू अगर आई आर कर देंगे तो यहां से जो करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 0.2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि कितना हो जाएगा 0.1, तो करंट हमारा कितना आ जाएगा बेटा 0.1 एम्पियर आ जाएगा, करंट कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर, ऑप्शन में दिख रहा है क्या 0.1 एम्पियर, चेक कर लेते हैं, एक इसमें दिख रहा है एक इसमें दिख रहा है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंख पे दिखना नहीं चाहिए ये दोनों वापस से, अब ये दोनों दिखने चाहिए। अब इसके बाद की बात आती है, ठीक है सर, तो बेटा ये करंट तो पता चल गया, तो जो करंट यहां जाएगा वही करंट इसमें भी चला जाएगा, हाँ सर, तो इस रेजिस्टेंस में वापस ओम संकल जी, अब आपको याद नहीं करेंगे, आप हमको सिखा दिए, तो अब यहां पे देख बेटा वोल्टेज कितना है 3.8, तो करंट कितना है यहां पे 0.1, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज कितना है सर 3.8, करंट कितना है 0.1, तो कितना हो जाएगा 38 ओम, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 38 ओम, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 38 ओम, क्लैरिटी है, यस सर क्लैरिटी है, सोनाली जी को कॉन्सेप्ट क्लियर करना, सोनाली ऐसी बातें रात में नहीं करते बिल्कुल भी, है ना, ऐसी बातें रात में बिल्कुल भी नहीं करते। चलो ये मैथमेटिक्स आ रही है भैया, है ना, ये मैथमेटिक्स आ रही है भाई। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया,
दो कोड़ी का सवाल वापस से ये आ गया दो कोड़ी का सवाल। क्या है भैया सवाल जरा देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या सामने, एक बैटरी है 6 वोल्ट की, बना लो, बना लिया। उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम का, बना लिया। 6 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है, 11 ओम का। लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 11 ओम का। क्या पूछा, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब बैटरी का टर्मिनल कहां होता है, यहां पे, यहां का वोल्टेज पूछ रहा है। तो बेटा यहां का वोल्टेज पूछ रहा है तो एक काम करो, पूरी सर्किट में पहले क्या निकाल दो, करंट कैलकुलेट करो। तो करंट कितना निकलेगा सर, करंट हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 6 डिवाइडेड बाय ये और ये मिला के कितने हो गए 12, तो कितना आ जाएगा 1/2 एम्पियर। जब 1/2 एम्पियर करंट आ जाएगा तो ये ऐसे निकल के आएगा, टिक 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 को नीचे आ जाएगा। फिर ओम संकल जी याद आएंगे, V इक्वल टू IR, तो I कितना है 1/2, R और ये R कितना है 11, तो V इक्वल्स टू IR, तो I 1/2 इंटू 11, दैट इज 5.5 इज द करेक्ट आंसर, 5.5 इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर। क्लियर है, यस सर। कितने कोड़ी का सवाल है, दो कोड़ी का सवाल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन उड़ा दिए बेटा अपन मजाक मजाक में एकदम, नहीं 5 क्वेश्चन उड़ा दिए मजाक मजाक में एकदम, हाँ सर मजाक मजाक में उड़ा दिया। चलिए अब ये आ गया वापस से, ये क्वेश्चन आ गया, ये मैं कहां में पढ़ाऊंगा आपको, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, है ना, कहां पढ़ाऊंगा बेटा, एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। क्या बोले थे रदरफोर्ड साहब, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग प्रिंसिपल क्या था, अल्फा पार्टिकल। बच्चा बच्चा जानता है रदरफोर्ड साहब ने जो भी खिलवाड़ करी थी वो किसके साथ करी थी, अल्फा पार्टिकल के साथ। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, बस ढूंढ लो, बीटा नहीं बेटा, बीटा नहीं बेटा, गामा नहीं बेटा, बेटा देख के लगा दो, अगर मान लो कभी याद ना भी आए तो याद रखो अल्फा, सॉरी रदरफोर्ड साहब ने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किसके साथ किया था, अल्फा पार्टिकल के साथ। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, है ना, रदरफोर्ड स्कैटरिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये रे ऑप्टिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, आपको मैं लेके चलता हूं बेटा आपके स्कूल में, कहां लेके चलता हूं आपके स्कूल में। तो जब आप स्कूल में बेटा 11वीं 12वीं कर रहे थे, है ना, जब आप स्कूल में 11वीं 12वीं कर रहे थे, है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको मास्टर जी ने पढ़ाया होगा, क्या पढ़ाया होगा, मास्टर जी ने आपको बताया होगा कि बेटा दो तरीके के तीन मिरर होते हैं, तीन तरीके के क्या होते हैं मिरर। एक मिरर का नाम होता है प्लेन मिरर, जो हमारे घर में, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा मिरर होता है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। तीसरा मिरर होता है हमारा कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। और सिमिलरली हमको बताए होंगे दो तरीके के लेंस होते हैं, पहला लेंस होता है हमारा, है ना, और भी लेंस होते हैं लेकिन ये दो मेन है, एक होता है कॉनकेव लेंस और एक उन्होंने पढ़ाया होगा कॉनवेक्स लेंस, ये मास्टर जी ने सिखाया होगा। तो बेटा ये पूरा जो रे ऑप्टिक्स है ये इसी से रिलेटेड है। अब मैं बताता हूं इसमें आपसे आज तक कैसे क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सा बताऊं क्या पूछता है, बताता हूं। आपसे बोलेगा फलाना फलाना मिरर है या फलाना फलाना लेंस है, ठीक है, और बोलेगा उसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे। दो ही चीज होती है समझने के लिए, एक होता है पोल, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होता है पोल, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट रखा है पोल पे, इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट रखा है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, इमेज कहां बनेगी। तो ऐसे कितने केस निकल के आए, 4, किसके, इसके, इसके भी कितने निकले, 4, इसके 4, इसके 4, प्लेन के साथ ऐसा नहीं होता, कितने केस निकल के आए, 16। ऐसे करते करते बेटा 16 से 20 केस होते हैं, उन 20 ही केस में से ये आपके सामने एक केस आ चुका है। तो टोटल बेटा जब रे ऑप्टिक्स जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ऐसे 20 केस पूरे पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपको ये सारा समझ में आ जाएगा कि इमेज कहां बनेगी, कौन किधर आएगा, कितना बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा इमेज मतलब। अब ये सब फालतू की बकवास है, इन मतलब बताता हूं, इन ऑब्जेक्ट मान लो ऐसा रखा है और इमेज ऐसी बन गई तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। इमेज रियल बनती है तो रियल होती है और वर्चुअल होती है तो वर्चुअल होती है, है ना। दूसरा बात, अगर मान लो लिखा एनलार्ज, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा इमेज बन गया, तो बस यही सब है। तो ऐसे 20 केस पढ़ाऊंगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर ये वाला होता है, इसके इस तरफ पॉलिश होती है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां रखा है, नियर इट्स पोल, उसके पोल के पास रखा है। तो जब पोल के पास उसको ऑब्जेक्ट रख दोगे तो मिरर, सॉरी इमेज हमेशा कौन सी बनती, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इमेज हमेशा कौन सी बनती बेटा, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इस तरीके का सवाल ही आता है। तो कुल मिला के इससे आपको क्या समझ में आया, देखो बेटा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, मेन मोटिव ये नहीं किया था मैं कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिर आप ट्राई कर रहे हो और आपसे बन जाए। मेन मोटिव ये है, इस पेपर से आपको ये समझना है कि पेपर का लेवल कैसा है, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब हम लोग आपको पढ़ाएंगे तो आपसे सारे सवाल बनने चाहिए, नहीं तो इससे हमको लेवल पता चलता है। और हमको ये पता चलता है कि अगर इस बार ये पूछा तो अगली बार ये क्या पूछ सकता है,
तो इस बार अगर इसने ये तरीके का पूछा है तो अगली बार इससे रिलेटेड कोई और मिरर ले लेगा, कोई और लेंस ले लेगा, कोई और केस ले लेगा, ऐसे सवाल पूछेगा पेपर में। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये पेपर हो गया भाई, दूसरा पेपर लेके आते हैं। चलो भैया दूसरा पेपर लाइए मोहित सर, दूसरा पेपर लेके आओ बच्चों के लिए मोहित सर। आधे बच्चे चले गए, देखो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है, क्या होता है कि जब युद्ध लड़ने जाते हैं लास्ट में कौन बचता है, वही बचता है जो जीतता है ना, बाकी सब पहले क्या हो जाते हैं, पहले चले जाते हैं। बहुत सारे काम रहते हैं आजकल बच्चों को, तो चले जाते हैं बच्चे, कोई बात नहीं, अपन दूसरा पेपर सॉल्व करते हैं। सिलेक्शन भी तो साढ़े तीन सौ के आसपास ही बच्चों का होना है ना, सबका तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, है ना, तो साढ़े तीन सौ के आसपास बच्चों का सिलेक्शन होना है, अपने को उन साढ़े तीन सौ बच्चों को ढूंढना है, उन साढ़े तीन सौ बच्चों को पढ़ाना है, बस बात खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है? जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, सबसे कठिन काम है जो आप करने चले हो क्या, पढ़ के कैरियर बनाना। सबसे कठिन काम है जो करने चले हो क्या, पढ़ के कैरियर बनाना, इससे कठिन काम कोई सा नहीं होता है। इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन करके पढ़ के अपना पढ़ने से कैरियर बनाना, और जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है ना, वो यहाँ फीलिंग होती है, है ना, यहाँ फीलिंग होती है, जब चलते हो ना तो अपने आप चाल में चेंज आ जाता है, जब बोलते हो ना तो अपने आप मेच्योरिटी बाहर झलकने लगती है। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट जॉब लेना या पढ़ के कैरियर बनाना ये नहीं बताता कि आपको पैसे मिलने लगे, पैसे कमाने के तो और भी रास्ते हैं, बट ये बताता है कि सोसाइटी के अंदर जिस नजरिए से आपको देखा जाता है वो लोगों का देखने का नजरिया रातों रात बदल जाता है, ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंस है, लोगों का रातों रात आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। जो कुछ लोग आपको पहले कुछ भी बोला करते थे वो अब आपसे सलाह लेना चालू करने लगते हैं, बस दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, और कुछ भी नहीं, आपका दोस्त कभी नहीं बोलेगा, और आपका दोस्त यकीन मानिए किसी और के सामने बोलेगा, तुझे पता है क्या मेरा दोस्त एक एटीसी है वहां पे, दिस इज द थिंग, ये ध्यान रखना हमेशा। चलिए अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया वापस, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, ये देखिए ये क्वेश्चन वापस आ चुका है आपके सामने, आ गया नहीं आ गया। व्हेन जर्मेनियम डायोड जर्मेनियम को, अब जर्मेनियम को डोप कर रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर से, तो अगर एक जर्मेनियम को जर्मेनियम के अंदर क्या मिला देंगे जिससे पी टाइप सेमीकंडक्टर मिले, तो भाई एक जर्मेनियम के अंदर तुम क्या मिला दोगे जिससे कि तुमको पी टाइप मिले। पी टाइप अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सभी बच्चे कर सकते हैं। पी टाइप में बेटा कौन बढ़ जाएंगे होल्स, और पी टाइप में कौन बढ़ जाएंगे होल्स, इसके लिए क्या मिलाई जाती है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के नाम क्या क्या बताए थे, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, क्या अवेलेबल है, यस सर अवेलेबल है। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बोरॉन आंसर हो जाएगा। सर रियल मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनना, और वर्चुअल मतलब दूसरी तरफ इमेज बनना। हाँ सुनल ये सही बात है। ठीक है, दूसरी बात कन्हैया, बेटा देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर तू एक ही क्वेश्चन पे स्टक दो करके मुझसे पूछेगा ना तो क्या होगा, अपन वैरायटी नहीं देख पाएंगे। तो हर क्लास का इंपॉर्टेंस समझ, जैसे कि आज की क्लास का काम है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करना, कल की भी क्लास का काम होगा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करना, दो दिन बाद से अपन थ्योरी पढ़ना चालू करेंगे, फिर मैं तेरे को वादा करता हूं तो मुझसे एक भी डाउट नहीं पूछ पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, तू मुझसे कोई डाउट ही नहीं पूछ पाएगा, तेरे को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोनों तू सारी क्लासेस को डिफरेंशिएट करके चलना है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आपको बोला जा रहा है बेटा एक पेयर ऑफ कॉइल्स है, एक पेयर ऑफ कॉइल है, इनको कोएक्सियली रखा हुआ है, पैरेलली रखा हुआ है, मतलब कुल मिला के ये दो कॉइल्स हैं, इनको पैरेलली रख दिया है। ठीक है, एक वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, कहीं भी रख दो से क्या मतलब होता है, बोल रहा है करंट एक कॉइल में इंक्रीज होता है 0 से लेकर 10 एम्पियर तक, तो एक कॉइल के अंदर जो करंट में चेंज आ रहा है वो 0 से लेकर 10 एम्पियर तक आ रहा है, और जो टाइम है चेंज होने का वो है 0.5 सेकंड, तो 0.5 सेकंड का उसमें समय में चेंज आता है। ठीक है, 0.5 सेकंड का समय में चेंज होता है, और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो बेसिकली 20 वोल्ट होता है, तो आपको बताना इंडक्टेंस कितना होगा, जल्दी कैलकुलेट करो, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था।
जल्दी कैलकुलेट करो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था। क्या सिखाया था अभी? कि अगर करंट में चेंज 0 से 10 एम्पियर का आता है, टाइम इतना दिया हुआ है, तो ईएमएफ इंड्यूस है, तो इंडक्टेंस कितना होगा? तो आप सभी बच्चों को मैंने बताया था E इक्वल टू कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी। ओके सर, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना निकल के आ जाएगा, 20। ओके सर, एल कितना है, इतना, करंट में चेंज कितना आया, इतना, और टाइम में चेंज कितना आया, 0.5। तो जब टाइम में 0.5 चेंज आया, तो 0.5 को 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10, 10 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हेनरी हो जाएगा। इससे आपको क्या समझ में आया, दोनों शिफ्ट में एक जैसे एक एक क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका ये ध्यान रखता है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत कम से कम हो, माने कि पेपर का लेवल सारी शिफ्ट में सेम रखने की कोशिश करता है। तो जो भी बच्चे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इस बार का पेपर देख के आओगे आप लोग, तो कृपया करके मेरे से ये मत बोलना हमारी शिफ्ट टफ थी। सारा पेपर एक जैसे ही बनता है भाई, ठीक है, कोई शिफ्ट टफ वफ नहीं। आधा पौन नंबर ऊपर नीचे हो जाए उसको टफ नहीं बोलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वैसा का वैसा ही वापस आप लोगों से पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस वैसा का वैसा ही, एक और क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से वापस पूछ लिया गया, तो आप लोग यहां पे देखेंगे सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से वापस पूछ लिया गया। दो कॉइल हैं, उनको पैरेलली रखा हुआ है, करंट एक कॉइल में इंक्रीज होता है इतना और दूसरी कॉइल में इंक्रीज होता है इतना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल इन द बी 16, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपसे सवाल है। क्या बोला जा रहा है बेटा, दो कॉइल है, ठीक है, ओके सर, एक कॉइल में जो करंट है वो 20 एम्पियर पर सेकंड का है और इस वाली कॉइल में जो करंट है वो 5 एम्पियर पर सेकंड का है, ठीक है सर, मजा आ गया। इस वाली कॉइल का ही ईएमएफ आपको दिया है 60 मिलीवोल्ट और आपसे आज पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, तो हमेशा याद रखना बेटा जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो, ठीक है, जब भी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो, कल से आप लोगों को ये दिक्कत नहीं होगी, आज मैं ऑफिशियल पेपर लेके आया हूं ना, कल से आप लोगों को ये दिक्कत नहीं होगी कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कम विजिबल होगा, कल से दिक्कत नहीं होगी आपकी, ये मैं ध्यान रखूंगा, है ना, कल से आपको एकदम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन दिखेंगे। आज मैंने सोचा थोड़ा कि आपको ऑफिशियल पेपर दिखा देता हूं, इसलिए ऐसा है, कल से आपको ये दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है, कल से आपको एकदम प्रॉपर इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सब कुछ दिखेगा, ठीक है, उसका लोड मत लो। तो बेटा आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, अब जब म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है तो यहां पर देखना म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए E इक्वल टू होता है MdI/dt। अब याद रखना अगर ईएमएफ जो है वो कॉइल दूसरी कॉइल में तो याद रखना अगर ईएमएफ दूसरी कॉइल का है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए DI/dt दूसरी कॉइल का लिया जाता है, यानी कि कितना लिया जाएगा, 20। क्लियर हो गया? यस सर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, 3 मिली हेनरी। तो हमेशा याद रखना जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो तो अगर ईएमएफ पहली कॉइल में है तो DI/dt दूसरी कॉइल का लेते हैं, ईएमएफ इस कॉइल में है तो DI/dt दूसरी कॉइल का लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरीके के बेटा बेसिक फिजिक्स के सिंपल सवाल आपके पेपर में आते हैं, इस तरीके के बेसिक सिंपल सवाल आपके पेपर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ओके सर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी बच्चे। सर इसमें DI/dt y, इसलिए DI/dt बेटा वहां लिखा था करंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो करंट की यूनिट हो गई एम्पियर और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नीचे आ गया टाइम, तो करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और फॉर्मूला यही बोलता है E इक्वल टू MdI/dt। तो वहां जो DI/dt होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ही होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे तीन रजिस्टर हैं R1 R2 R3, उनका जो रजिस्टेंस है वो 2:3:4 के रेशियो में दिया हुआ है, मतलब आपको बोला जा रहा है R1:R2:R3, ये आपको बेटा तीन रजिस्टर गिवन है, ओके सर, और इनका जो रेशियो है वो है 2:3:4। इन तीनों दे कंबाइंड इन पैरेलल, जब हम इनको पैरेलल में करते हैं, पैरेलल में कैसे करोगे, तो आपको R1 पैरेलल R2 पैरेलल R3, जब आप इनको पैरेलल में करते हो तो इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो 24 ओम आ जाता है, कितना आ जाता है बेटा, 24 ओम आ जाता है पैरेलल में। तो आपको बताना है R1 R2 और R3 की वैल्यू कितनी कितनी होगी, R1, R2 और R3 की वैल्यू कितनी कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी फटाफट करेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, दो कोड़ी का सवाल है, अगर मोहित सर का लॉजिक लगा दिया अपने आप आंसर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 3 सेकंड में आंसर लाके पटक दूंगा, अगर मोहित सर का लॉजिक लगा दिया
तो 3 सेकंड में आंसर पटक दूंगा। क्या क्वेश्चन है? तीन रजिस्टर है, तीनों का रेशियो 2:3:4 है। देख के समझ में आ गया होगा, R3 सबसे ज्यादा होगा, R2 उससे कम, R1 सबसे कम होगा। इतना तो समझ में आ गया, इसी को लॉजिक को यहां लगा दो। सबसे ज्यादा कौन? R3। R3 सबसे ज्यादा, R3 सबसे ज्यादा, R3 सबसे ज्यादा। तो ये बात तो सब जगह वैलिड हो गई, ये बात तो सब जगह वैलिड हो गई। दूसरा ये बोला है तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 24 आता है, तो तीनों की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे लगेगा मोहित सर का लॉजिक। अब सारे बच्चे भारत के क्या करेंगे बताता हूं, भारत के सारे बच्चे क्या करेंगे, इन तीनों का पैरेलल निकालेंगे, इन तीनों का पैरेलल निकालेंगे। कम से कम 2 मिनट से ऊपर का समय लगेगा सब कुछ करने में। अब मैं लॉजिक बताता हूं, जिंदगी में याद रखना जितने भी पैरेलल रजिस्टर हैं, अगर आप 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबको जब पैरेलल में कनेक्ट करने लगते हो तो जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो सारे पैरेलल में कनेक्ट करने वालों में जो सबसे छोटा होता है उससे कम आता है। क्या बोला मैंने? एक बच्चा लॉजिक क्या लगाएगा, तीनों का रेशियो देख के चेक कर लेगा। दूसरा बच्चा क्या करेगा, तीनों का रेशियो निकालेगा, 6/9/4 तो ये आ गया 2, 3, 4 तो ये भी आंसर हो सकता है, 52, 48 ये भी आंसर हो सकता है, 9, 27 ये भी आंसर हो सकता है, 9, 9, 9, 3, 27, 9, 4, 36 ये आंसर सब हो सकते हैं। मोहित सर का लॉजिक देख, जब सारे रजिस्टर्स, मान ले मेरे पास एक 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम, ऐसे सारे रजिस्टर्स को बेटा मेरे लाल जब सबसे पहले पैरेलल में लगाते हो तो जो टोटल रजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले से कम आता है। टोटल रजिस्टेंस ये रहा, मतलब जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा तीनों में R1, R2 और R3 उससे कम होगा। इसका मतलब R1 की वैल्यू 24 से ज्यादा होगी। चेक कर लो, एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। कैसा लगा लॉजिक एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताना जरा, कैसा लगा बे? कुछ सॉल्व किया नहीं? ये तो मैंने वो लिख दिया जो यहां लिखा हुआ था। कुछ सॉल्व किया नहीं? जो यहां लिखा था वही यहां लिखा है ताकि तुम लोग को ये दिख नहीं रहा, ये सॉल्यूशन नहीं है। कॉन्सेप्ट इज ओनली वन, इफ यू कनेक्टेड देयर आर सो मेनी रजिस्टर्स इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट रजिस्टेंस इज ऑलवेज द लेस देन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस। तो सबसे कम कौन सा? ये वाला, ठीक है? यस सर, ऐसे फिजिक्स पढ़ाई जाती है बेटा, ध्यान रखो। सेशन को एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे तेजी से, एकदम फटाफट फास्ट, सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे एकदम फटाफट फास्ट। एनर्जी मेंटेन करो इन द सेशन को। और ये लाइक कुछ नहीं बेटा, ये हमारा प्यार है और कुछ नहीं, ना तो इससे आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है लाइक करने के लिए, ना ही हमें कुछ मिलता है। ये लाइक का क्या होता है, ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, आप ज्ञान ले रहे हो, मैं ज्ञान दे रहा हूं, इतना ही डिफरेंस है, बट ये लाइक हमारा प्यार है और कुछ नहीं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The SI unit for torque experienced by electric dipole in a uniform electric field. सवाल ये है भैया, SI unit क्या होगी? Torque experienced by electric dipole in a uniform electric field. तो भाई uniform electric field हो या uniform electric field ना, that doesn't matter. SI unit किसकी पूछी है? Torque की। यहाँ पे क्या लिखा है? भाड़ में जाए। दुनिया में torque की unit by default क्या होती है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए। What is torque? Torque is Q, force into displacement. What do we mean by force? That is Newton. Displacement मतलब meter. The correct answer of this question is Newton meter. तो Newton meter शांति से लगा देंगे फालतू। Torque की unit पूछिए, और क्या लगाएंगे? अब ये किसके पीछे, उसकी पूछी, किसकी पूछी, उससे क्या मतलब? Torque की unit पूछी, वो Newton meter ही होती है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। Next question. चलिए, ये बेटा एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जब मैं आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा बोहर रेडियस किसकी कितनी होती है ना। तो ये बेटा बोहर रेडियस होती है, तो जब मैं आप लोगों को नॉर्मली पढ़ाऊंगा एटॉमिक फिजिक्स तब मैं आपको इसका बताऊंगा कि बोहर रेडियस कितनी होती है। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक सवाल है। जब मैं आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा 5.29 × 10⁻¹⁻ मीटर होती है, और आपको ये भी बताऊंगा कि बेसिकली एंगस्ट्रॉम में कितनी होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, कभी कभी मीटर में पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है बेटा? 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻¹⁻ मीटर होता है। तो इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा,
इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कभी कभी एंगस्ट्रॉम में पूछ सकता है, कभी कभी नॉर्मली मीटर में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बस यही इसीलिए पूछा ये सवाल, और कुछ भी नहीं, इसीलिए पूछा ये सवाल और कुछ भी नहीं। अब आ गया आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट का सवाल आ गया सारे बच्चों के लिए, दो कोड़ी का सवाल है, उड़ा देंगे इसको अपन दो मिनट में, दो कोड़ी का सवाल है दो मिनट में उड़ा देंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है एक एलसीआर सर्किट, अच्छा हमें बताओगे एलसीआर सर्किट, रेजिस्टेंस बोलो 10 ओम, एक्सएल बोलो 30 ओम, एक्सी बोलो 24 ओम, ये यहां तक दिया हुआ है बेटा, है ना, ये एलसीआर सर्किट में ये सब लिखा है। बोलता है इसको कनेक्ट किया जाता है, इसको कनेक्ट किया जाता है 220 वोल्ट से, कनेक्ट कर देते हैं ये आर, ये एल, ये सी, इसको बेटा 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दो सभी बच्चे। तो इसको 220 वोल्ट से हम जब कनेक्ट करने जाएंगे तो बोल रहा है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, सर्किट में पावर कितनी होगी, मतलब इस सर्किट में पावर कितनी होगी, याद रखना बेटा पावर हमेशा कौन लेता है, मात्र रेजिस्टेंस, कौन लेता है बेटा हमेशा मात्र रेजिस्टेंस, और कोई पावर नहीं लेता, तो पावर हमेशा बेटा रेजिस्टेंस ही लेता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा सर रेजिस्टेंस ही पावर लेता है, जी सर, तो बेटा करंट बता दो कितना हो जाएगा, करंट हो जाता है वोल्टेज अपॉन इनका सबका टोटल इंपीडेंस। अच्छा सर, सर ये इंपीडेंस किस चिड़िया का नाम है, इंपीडेंस का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है सर, तो ये आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी मतलब 30 माइनस 24 यानी कि 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और आर का स्क्वायर 10, तो यानी कि कितना हो गया 136, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 136, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 136। अब इसको सॉल्व मत करना, अगर आप मोहित सर का मेथड जानते हो तो इसको सॉल्व नहीं करना, क्यों, इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको मालूम नहीं अंडर रूट ऑफ 136 कितना होता है, तो 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी मतलब 30 माइनस 4 यानी कि 6 अंडर रूट 36, तो डायरेक्टली लिख दो वोल्टेज कितना है 220 और डायरेक्टली इंपीडेंस कितना हो गया 136, सॉल्व नहीं करना, याद रखना ना, ऐसा कैसा लिख दिया। अब पावर निकालनी थी, पावर हमेशा किसके अक्रॉस निकलती है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो पावर कितनी हो जाएगी बेटा, पावर कितनी हो जाएगी, पावर होती है हमेशा I स्क्वायर इनटू R, I कितना हो जाएगा, तो I अभी निकाला आपने ये वाला, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 220 का स्क्वायर, देखो रूट अपने आप कैंसिल हो गया, इनटू क्या कर देंगे 10 कर देंगे, इसको सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे 3.56 किलोवाट आ जाएगा, क्लियर है। तो बेटा इस तरीके, सॉरी इस तरीके के सारे क्वेश्चंस, इस तरीके का सारा लेवल फिजिक्स का मैं वादा करता हूं आपसे, इलेक्ट्रोस्टेट्स, मैग्नेटोस्टेट्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, ये पार्ट पूरा मोहित सर आपका कंप्लीट करवा देंगे, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। यस सर, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अब मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे देता हूं, ये टेलीग्राम चैनल देने के पीछे का रीजन ये है ताकि आप लोग को सारी क्लासेस के बारे में पता चलता रहे, ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ्स प्रॉपर मिलती रहे, आप लोग मुझसे कनेक्ट रहो ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो हम लोग देख लें, और इंडिया की इस ब्यूटीफुल फैमिली के साथ आप हमेशा कनेक्ट रहोगे, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, सभी बच्चे इसको सर्च करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक, दिस इज कॉल्ड मोहित कासन्या सर टेस्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल हो गया, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आती है तो आपने स्क्रीनशॉट लेकर के भी कर लोगे, अगर कोई बच्चा भी ना भी ले पाए तो क्लास के बाद स्टॉप करके कर लेना, ठीक है। इसके बाद आती है एक इंपॉर्टेंट बात, तो बेटा आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए दो काम करने हैं, पहला काम तो आपको क्या करना है, आपको हमारी रोज क्लासेस देखनी यूट्यूब पर, किस किस चीज की, फिजिक्स की मैं और वैभव सर लेंगे रात को 9 बजे से 11 बजे तक, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वैभव सर का, 10 बजे से 11 बजे तक मेरा है, मैथमेटिक्स की क्लास भी अभी आपकी यहीं पे चालू होने वाली आज या कल में, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश की क्लास आपकी कौस्तुभ सर लेने वाले हैं, उसकी उनकी क्लास चालू होने वाली है, रीजनिंग की क्लास जो है आपकी वो चालू होने वाली है, ठीक है। शिव सर आपका जनरल स्टडीज का पार्ट लेते हैं तो वो चालू होने वाला है, और साथ ही साथ में आपका गोपिका मैम क्वांट्स का पार्ट लेंगे तो वो भी चालू होने वाला है, तो ये सारी चीजें एक दो दिन के अंदर अंदर आपको क्लासेस देखने को मिलेगी, मतलब आपका जो सिलेबस है वो एंटायर पूरी की पूरी तरीके से आपकी यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, इन क्लासेस के अलावा आपको एक काम करना है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है वीडियो का, इसके नीचे आप जाएंगे तो टेस्ट बुक ने आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी चीज बना के रखी, क्या बना के रखी बताता हूं, आपकी कोई भी ब्रांच हो, आप सिविल ब्रांच के हो सकते हो, इलेक्ट्रिकल के हो सकते हो, मैकेनिकल के हो सकते हो, कोई भी ब्रांच के हो, या आप बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स के बच्चे हो तो आप उस ब्रांच को क्लिक करना, लेट सपोज मैं इलेक्ट्रिकल को क्लिक कर लेता हूं, क्योंकि देखो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास अगर टाइम रहेगा तो आगे चल के आप और भी एग्जाम्स की तैयारी करोगे, तो बेटा हमने आपके लिए कितना प्यारा चीज ये बना के रखा है, जरा आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक पर्टिकुलर चीज में आपको क्या मिलता है,
सबसे पहले बेटा हमने आपको एटीसी का ये सरप्राइज था जो अभी तक बचा के रखा था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हमने आप लोगों को क्या दिया, जरा सुनना। टेक्स्ट बुक के एक्सपर्ट्स का ये एक बैच हो गया, इसके बाद फोटोनिक्स नाम के इंस्टीट्यूट का ये एक बैच हो गया, ही इज द फाउंडर ऑफ फोटोनिक्स दैट इज अशोक यादव, इनका बैच भी यहीं पर प्रोवाइड कर दिया। देन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक और बैच नॉन टेक्निकल के लिए प्रोवाइड कर दिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निम्बस लर्निंग का बैच प्रोवाइड कर दिया, इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट का एटीसी का बैच आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दिया गया। इसके अलावा बात करूं तो आपको एटीसी जब खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे, सर ये सब्सक्रिप्शन हमारे किसी काम का नहीं है। नहीं भैया, अगर आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच है ना, तो आप लोगों को, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो मोहित सर यानी कि मैं, तो मेरा आप लोगों को बेटा यहाँ पे क्या मिलता है, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एई और जेई का बैच भी मिलता है। आपका रेलवेज आएगा आगे चल के, है ना, तो आपको उसके लिए भी कोई अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। रेलवेज का मेरा बैच आरआरबी के लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर जेई का, ये बैच भी मेरा आपको यहाँ पे मिलता है। नॉन टेक्निकल की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका कंप्लीट नॉन टेक्निकल के लिए पंकज चौबे सर का ये बैच भी यहां पर अवेलेबल है। इसके बाद इंडिया के और अलग अलग इंस्टीट्यूट, निम्बस लर्निंग, फोटोनिक्स, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, इंजीनियर्स अकेडमी, इतने सालों से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट का कॉन्टेंट, टीचर्स, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए भी बता रहा हूं, चिंता मत करो। देन अगर हम बात करें तो एक बच्चे को आएंगे रोज डाउट्स, वो चाहता है टीचर साथ में रहे, तो यूट्यूब पर तो हम साथ में है ही, बट चाहता है वो और भी जगह साथ में रहे, तो उसके लिए बेटा रेगुलर यहाँ पे डाउट क्लासेस चलती हैं, रेगुलर यहाँ पे पीवाईक्यू सेशन डिस्कशन होता है, रेगुलर ये सारी चीजें चलती है। इसके बाद एक बच्चे को क्या चाहिए, टेस्ट सीरीज, काय के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए, तो इंडिया का हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर इंक्लूडेड है। ये उंगली दर्द हो जाएगी लेकिन ये स्क्रॉल होना बंद नहीं होगा, और आप देखेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, जिसके अंदर अभी 54,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली टेस्ट दे रहे हैं। देन अगर हम बात करें तो बेटा इसका प्राइस, आप सोचोगे सर इतनी सारी चीजें, एटीसी भी है, आरआरबी भी है, देन अगर हम बात करें तो फिर सर आपका एईजेई भी है, मैकेनिकल भी है, सिविल भी, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ है, सर इसका प्राइस तो काफी ज्यादा होगा। तो गाइस आप लोगों के लिए प्राइस को बहुत कम करके रखा है। अगर आप देखोगे 12 मंथ का ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 5809 का है, लेकिन अगर आप इसमें भी एक कूपन कोड लगाते हो, द नेम ऑफ द कूपन कोड इज मोहित के, द नेम ऑफ द कूपन कोड इज मोहित के, जैसे आप मोहित के लगाते हो, ये टेक्स्ट बुक का एकमात्र यूनिवर्सल कूपन कोड है। एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, इंश्योरेंस, पुलिस, टीचिंग ट्रेनिंग, गेट, ईएससी, एईजेई, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए टेक्स्ट बुक के सब्सक्रिप्शन के लिए जब आप ये कोड लगाते हो मोहित के, तो ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट देता है, और आफ्टर द डिस्काउंट ये सिर्फ 5300 का मिलता है। कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे पास इतना अमाउंट तो नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए 6 मंथ्स के लिए ले लीजिए, हिंदी मीडियम के लिए भी काम क्या गया, प्रथम हिंदी मीडियम के लिए हिंदी में पढ़ाया गया, 6 मंथ्स के लिए ले लीजिए। आपको लगता नहीं सर इतना भी नहीं कर पाऊंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 मंथ्स के लिए कर लीजिए, फिर बाद में 3 मंथ्स के लिए कर लीजिएगा, जैसा आपकी सुविधा हो। तो बेटा मेरा मेन मोटिव है कि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। अब आपके सिलेक्शन के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीजें मुझे चाहिए, कैसे, एक तो हम यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हैं, राइट। अब सिलेक्शन तभी होगा बेटा जब आप 120 नंबर में से 100 नंबर के आसपास लाओगे, इतना हमको टारगेट करना है। उसके अंदर एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, क्वांट्स भी है, करंट अफेयर्स भी है, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी होनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट दोगे सारे बच्चों के साथ, अब टेस्ट तो मैं यूट्यूब पे नहीं ला सकता, सिंपल सा लॉजिक है। मैथमेटिक्स भी है, इतना सब कुछ करने के बाद, इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करने के बाद जाकर के आप उन 100 नंबर के अंदर आते हो, जो 396 पोस्ट है आपकी, उस लायक बनते हो। तो इन सारी चीजों के लिए सिर्फ दो ही चीज बोल रहा हूं, एक यूट्यूब की क्लास देखते रहो, यूट्यूब की क्लास जो है वो केक का क्रीम दे रही है। क्रीम मतलब कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कभी थ्योरी क्लासेस, कभी प्रैक्टिस क्वेश्चन, कभी क्विजेस, है ना, कभी रैपिड फायर, कभी कॉन्सेप्ट सीरीज, तो ये पूरा क्रीम दे रही है हर दिन का, हर दिन का अलग अलग फ्लेवर है। लेकिन जो नीचे का केक का ब्रेड है जिसको बेस बोलते हैं, वो बेसिकली आपको मिलता है बैच के अंदर। तो केक में तभी मजा आएगा जब दोनों चीजें एक साथ लेके चलोगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, दोनों चीजें लेके चलें, आप खुद अपने आप को अच्छा फील करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे इसको बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट गाइज ये है कि आपको पता होगा जिस दिन नोटिफिकेशन आया मोहित सर, उस दिन आपके लिए सारी तरीके की वीडियोस को पहले ला चुके थे। संडे के दिन मैंने ऑलरेडी मैराथन सेशन लिया था वैभव सर ने और मैंने, और हम लोग लगातार उसी दिन से क्लासेस लेते आ रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक ही चीज पता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जो कि भरोसा नहीं है, ये बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, और इसीलिए गाइस इतनी जल्दी क्लासेस कर ली है। तो अगर आप बात का प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली दिक्कत तो कुछ भी नहीं होगी, ये चीज तो आपके पास अवेलेबल रहेगी, लेकिन कहीं शॉर्ट टाइम ना हो जाए, बस ये एक दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें थी। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। अब कोई बच्चा मैकेनिकल का पूछ रहा है तो बताता हूं, मैकेनिकल वाले बच्चों को मैकेनिकल की लिंक पे क्लिक करना है। वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आओगे तो मैकेनिकल वाले बच्चों को मैकेनिकल पे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को इलेक्ट्रिकल पे, सिविल वाले बच्चों को सिविल पे, ठीक है, और बाकी जो बीएससी फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल पे या मैकेनिकल या सिविल किसी पे भी कर लीजिए, ताकि आपको सिर्फ एटीसी से मतलब है, राइट। चलिए,
ठीक है चलिए एक्स वाई। अब आप मैं टेलीग्राम पे बात करता हूं, ठीक है अब मैं आपसे टेलीग्राम पे बात करता हूं बेटा यहां पर, ठीक है मैं आपसे टेलीग्राम पे बात करता हूं कि मेरी क्लासेस किस तरीके से कौन कौन सी एग्जीक्यूट होंगी, राइट ये मैं आपको बता दूंगा ना। तो ये क्लास ये आपके लिए, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आज रात में मेरी अभी एक और क्लास है, इसके तुरंत बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है चलिए। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, चलिए गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।